जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे जानदार शानदार बेहतरीन पेपर करके आए होंगे, कुछ भी नहीं छोड़े होंगे, सब गर्दा गर्दा उड़ा के आए होंगे। तो इस बेहतरीन एनालिसिस के सेशन में सारे बच्चे आ जाइए। जो बच्चे अभी पेपर देने गए थे वो भी बच्चे, जो बच्चे अभी पेपर देने जाने वाले हैं, कल जिनका पेपर है वो भी बच्चे रहे, पेपर का ट्रेंड देखे। जो सुबह अभी दिए थे पेपर वो भी देखे कैसा रहा पेपर का ट्रेंड, तभी आपको एनालिसिस बड़ा बेहतरीन तरीके से हो पाएगा कि क्या स्कोर जाने वाला है कि नहीं। अविनाश सर, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, तो जल्दी से सभी लोग बच्चे सभी बच्चे जुड़ जाइए। और यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की थी और सभी बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा। बिल्कुल। और इसी चीज को कंफर्म करने के लिए, वैसे तो आपका पेपर अच्छा गया ही होगा, बट इसी चीज को कंफर्म करने के लिए आज इस एनालिसिस में आप लोग बने रहिए, ताकि आप अपने आंसर को बिल्कुल मिलाकर आप 100% श्योर हो लीजिए कि आपका क्या स्कोर रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो अभी तक पैटर्न आया हरियाणा, धूम मचा दिया भाई, जिसने हरियाणा स्पेशल खूब बढ़िया से करके गया आज बच्चा। बिल्कुल सर, मुझे लगता है वो पक्का मार जाएगा बच्चा। हाँ। लेकिन सर, लेकिन ये नहीं है कि हरियाणा भाई, मनोज सर की क्लास आपने की है तो मैथ में तो कल्याण ही है। बिल्कुल सर, मैथ तो आप बच नहीं सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसका मतलब थोड़ी कि इतिहास नहीं, हिस्ट्री भी तीन सवाल था बेटा। ऐसा नहीं है कि इतिहास छोड़ दो, हिंदी छोड़ दो, हिंदी तो भैया और धुआंधार थी सर। मैं सर जियोग्राफी क्वेश्चन गिना नहीं, लेकिन उसके भी थे। हाँ, तो हम कुछ कह रहे हैं सर, एक सेकंड। बिल्कुल, हिंदी के भी 10 से 15 सवाल तो सारे पोर्शन के क्वेश्चन थे। सभी बच्चे जिनका पेपर हो चुका है वो बच्चा जल्दी से कोई पीडीएफ बना के इस नंबर पे सबसे पहले क्वेश्चन सेंड कर दीजिए। आप यहाँ पर एक नंबर है, जल्दी से इस नंबर पे क्वेश्चन, कोई भी बच्चा जिसका पेपर खत्म हो चुका है जल्दी से इस नंबर पे फटाफट क्वेश्चन भेज दीजिए प्लीज, जल्दी से तुरंत इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। सुबह के सेशन जैसा अभी तक हम लोगों ने एनालिसिस किया, पूर्णिमा में क्वेश्चन का लेवल सुबह कैसा था आप कुछ बताएंगे? बहुत ही इजी लेवल बच्चे, आप में से जितने भी बच्चे थे ना, जिन लोगों ने अभी जो रिसेंट में हमारी सबकी क्लास हुई है, सारे टीचर्स की, आप किसी भी सब्जेक्ट की ले लीजिए, आप ज्योग्राफी की ले लीजिए, आप हिस्ट्री की ले लीजिए, मैथ्स की तो सर धुआंधार क्लास ले ही रहे थे, इंग्लिश की क्लासेस, हरियाणा जीके की क्लासेस, हमारी साइंसेस की क्लासेस, सारी क्लासेस से क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिले, मतलब लाइक कि हमने ना जो भी वहाँ क्वेश्चंस देखे हैं वो सब कहीं ना कहीं पढ़े थे, चाहे हमने ऑप्शंस के थ्रू पढ़े हो, चाहे हमने डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के देखे हो, लेकिन हम लोगों ने वो क्वेश्चंस करे थे। और आप हमें कंफर्म कीजिए क्या आपने वो सब चीजें पढ़ी थी जो आपके पेपर में आई थी, हाँ कि ना, फटाफट से एक बार थम्स अप भेजेंगे। और चलिए, चलो, बहुत थैंक यू सो मच प्रमिला। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सॉरी सर, तो जितने भी सभी मेरे छात्र, शिफ्ट सेकंड का, फर्स्ट का तो हो गया, फर्स्ट का एनालिसिस हो गया, तो फर्स्ट का पेपर नहीं भेजना बेटा। हाँ, फर्स्ट पे नहीं, सेकंड का पेपर सभी बच्चों को भेजना, जल्दी से भेज, जितनी जल्दी क्वेश्चन आएगा उतनी जल्दी हम लोग आंसर कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बच्चों, अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करूंगा, मैथ्स के 15 सवाल आपको देखने को मिले थे, ठीक है बच्चों, तो मैं 15 के 15 सवाल की मैं गारंटी लेता हूँ। 13 सवाल तो एग्जैक्ट मैंने 4-5 दिन की क्लासेस में ही करवाए थे। 2 सवाल अच्छे थे, मैं नहीं बोलूंगा डिफिकल्ट थे, 2 सवाल मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन अगर आपका बेसिक अच्छा है तो 13 के 13 सवाल तो कंफर्म सही है आपके। 14 और 15 यानी कि 2 सवाल की मैं बात करूंगा तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का सवाल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि किया नहीं जा सकता है। मैंने आपके सामने वो 15 के 15 सवाल 8 से 10 मिनट में करके दिखाए थे, और आप लोगों ने दोनों शिफ्ट का देखा होगा, पहला शिफ्ट हो गया, सेकंड शिफ्ट का भी अभी आपका पेपर खत्म हुआ होगा। तो जिन बच्चों के पास भी पेपर है, फटाफट सभी बच्चे इस नंबर पर अपना पेपर जो है व्हाट्सएप कर दें, पीडीएफ बना के भेजेंगे तो वेल एंड गुड है आप लोगों के लिए भी, और हमारे लिए भी सहूलियत होगी आप लोगों को उसका लाइव सॉल्यूशन कराने के लिए, क्योंकि एग्जाम बोर्ड जाना जाता है बच्चों लाइव सॉल्यूशन कराने के लिए। ऐसा नहीं कि हम पहले सॉल्यूशन करके आते हैं फिर सहूलियत के साथ बताते, नहीं बच्चा, हमें अपने टीचर्स पे भरोसा है, क्योंकि टीचर्स ऑलरेडी इतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है कि वो बच्चा उनको लिए किसी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट लाइव सॉल्यूशन आते हैं कराते हैं। 45 पे छूटा, 43 पे क्वेश्चन कैसे, ठीक है, एक वो सबके साथ थर्ड शिफ्ट का हो, मतलब पहले शिफ्ट में 4 पेपर हुए ना, उनका किसी का पेपर हो, तो बच्चों आप लोगों के पास अगर सवाल आ गए हो, क्वेश्चन आ गए हो, तो आप उसका जो है पेपर का पीडीएफ बना के भेज दीजिए, आप फोटो भी लेके भेज सकते हैं, और अगर आपको कोई सवाल याद है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और आपका पेपर कैसा हुआ वो भी बताइए। और कल जिन बच्चों का पेपर था, पहली चीज मैं कहना चाहूंगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, पेपर आसान आ रहा है बच्चा। मैम कुछ, और जिन बच्चों को लग रहा है ना पेपर टफ था, इसका मतलब आपने तैयारी अच्छी नहीं करी। बिल्कुल, तैयारी में दिक्कत थी, फिर तो वहां तैयारी वाली बात आती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमने क्वेश्चंस कराए, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे हाँ ये क्लास का है, हाँ ये क्लास का है। इवन आपने देखा होगा जितने भी आपने वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखे हैं,
जिस भी सब्जेक्ट के देखे आपने, मैथ्स के देखे होंगे सारे क्वेश्चन सर ने किसी ना किसी उसमें, भाई डिजिट्स अलग होंगी लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहा होगा। साइंस के अंदर जब मैं बात करती हूँ किस चीज की, आपका सस्पेंशन का क्वेश्चन आया तो मैटर वाला एक प्रॉपर क्लास ली थी मैंने, जिसके अंदर मैटर से संबंधित सारे क्वेश्चन कराए थे और उसमें मैंने सस्पेंशन के बारे में अच्छे से पूरा डिटेल बताया था कि भैया पार्टिकल साइज कितना होता है, एक माइक्रोमीटर से ज्यादा पार्टिकल साइज होगा, वहां पे जितना भी पोटेंडल इफेक्ट है उसको दिखाई देता है, मतलब उसमें शो करता है। एक बार दोबारा एक बार सभी को नंबर दोबारा शेयर कर दीजिए। तो एक बार जो है ना, जितने सभी बच्चे हैं सभी ध्यान रखेंगे कि अपना ये जो पेपर है सेकंड शिफ्ट का, ये आपको कहां भेजना है, ये आपको भेजना है 7827204244 पे, यानी कि 78 27 20 42 और 44 ये नंबर है। और सभी बच्चों को जिनके पास भी ये पेपर है अब का सेकंड शिफ्ट का, हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। देखिए अभी जिन बच्चों का पेपर हो चुका है सेकंड शिफ्ट का वही भेजेंगे, फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस पूर्ण हो चुकी है, सेकंड शिफ्ट का पेपर भेजें जल्दी से, सेकंड शिफ्ट का पेपर। और सबसे पहले सेशन को तेजी से शेयर कर दीजिए ताकि हर एक बच्चा इस पूरे सेशन का पूरे पेपर का मिलान करे। कहीं जाके शेयर करके आ जाओ, क्या दिक्कत है यार, कहीं ग्रुप में तो हो गए, फेसबुक व्हाट्सएप दुनिया भर के तो ग्रुप बने हुए हैं, टेलीग्राम कहीं शेयर करके फटाफट निकल आओ। हाँ, इसी नंबर पे, बिल्कुल इसी नंबर पे सारे बच्चे जल्दी से सेशन क्वेश्चन को भेजो, जितनी जल्दी आप क्वेश्चन भेज दोगे उतनी जल्दी हम लोग एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे, ठीक, उतनी जल्दी है कि नहीं मैं? बिल्कुल सही बात है सर। और हम लोग तो वेट कर रहे हैं आप लोगों के क्वेश्चंस का, कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, आप लोगों के मन में भी क्रेज था ना आखिर कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो देखो अब आपको पता चली गया है कैसे क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो अगर आप इस शिफ्ट के क्वेश्चंस भी भेज देते हैं तो हम लोग उसको भी एनालाइज कराएंगे और देखेंगे कि क्या सच्ची में, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं पेपर टफ था, तो क्या सच्ची में पेपर टफ था या नहीं, या बस ऐसे ही कह रहे हैं। तो देखिएगा 78 27 20 42 44 इस पे भेजना है। एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों का जो पेपर है उसमें आपको अलग अलग सेट्स दिए गए हैं, है ना, एक ही शिफ्ट के अंदर अलग अलग सेट्स है, तो आप अपने सेट को जो है ना प्रॉपर एक पीडीएफ बना के भेजोगे तो वो उस पर्टिकुलर सेट के क्वेश्चंस को शो करना हमें इजी रहेगा, है ना, और इससे बहुत सारे सेट्स आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो आप में से जितने भी बच्चे हैं सभी अब इस सेशन को शेयर कीजिए उन बच्चों तक जिनका एग्जाम था आज, या जिनका अभी सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम था, एग्जाम तो ओवर हो चुका है, तो आप लोग भी आ जाइए जल्दी से, अरे भेजो जल्दी से पेपर। अच्छा अनु, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। और देखो आपके साथ आपके इकोनॉमिक्स वाले सर भी आ गए हैं, तो चलिए सर से भी बात कर लेते हैं। सर जल्दी से पहले सेशन को शेयर करवाइए मैम, ये कौन सी बात है, ये गलत है, सबसे पहले बात इस नंबर पे, नंबर मत बताइए, पहले कौन सी बात है यार, पहले वाले में तुम लोग 5000 आते हो, सुबह अभी आते ही नहीं हो, एक बार पहले तेजी से सेशन को शेयर कर दीजिए। और अब आप नंबर देखिए 7827204244 यानी 78 27 20 42 44 यानी 7 8 2 7 2 0 4 2 4 4 इसको जिस भी भाषा में समझ सकते हो, हरियाणवी अंग्रेजी में एक एक करके लेंगे। अच्छा 7 8 2 7 2 0 4 2 4 4 सही है, सभी लोगों ने सुन लिया होगा, प्रत्येक भाषा का आपको जानकारी है, मुझे ये पता है कि आप ज्ञानी हैं, निश्चित रूप से आप अपने जीवन पर, जीवन की पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे। सभी साथी पहले सेशन को शेयर कर दें जी जी, उसके बाद प्रश्न जो भी प्रश्न मिलते ही तुरंत आंसर, तुरंत पहले ताकि आप सभी का समय जाया ना जाए, बिल्कुल बिल्कुल, हम तुरंत प्रश्न पर काम करने करना चालू कर दें, आपके प्रश्न का जवाब देना शुरू कर दें। सभी साथी एक बार प्रश्न को जल्दी से भेजें, जल्दी से भेजें, क्यों मैम? बिल्कुल सही बात है सर। और अभी देखो ज्योग्राफी वाले सर आए हैं, वो देखो सर दो शिफ्ट का, देखो बेटा हम लोग के पास जितने पेपर आए हैं उनके हम लोगों ने करा दिए और अपलोड भी हो गया उसका आंसर की के साथ अपलोड भी हो गया, ठीक है ना। अब आगे जो बाकी दो है उसको भी जल्दी ही उसका पेपर कलेक्ट करके उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने किया। बच्चों आप लोग ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करिए और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को भेजिए, क्योंकि मुझे तो ढूंढने में टाइम लगेगा क्वेश्चन। मुझे एक बार नंबर देख लीजिए, एक बार नंबर 25 में से कितने क्वेश्चन आए हैं? 7 8 2 7 2 0 4 2 4 4 जल्दी से इस नंबर पे सारे बच्चे, जिसको भी क्वेश्चन मिल जाए तुरंत इस नंबर पे शेयर कर दो,
बिना डिले किए हुए फटाफट जितनी जल्दी क्वेश्चन आएगा उतनी जल्दी हम लोग आंसर आएंगे। एक बार चेक करो सर आ गया कि नहीं। थोड़ा सा क्या होता है ना, बच्चे निकलते हैं, निकलेंगे, अपने दिमाग को शांत करेंगे, वो देखना चाहेंगे कि हम कितना अटेम्प्ट किए। 45 पे दिए, दो चार मिले होंगे। सर पहला ही देखते हैं ना, मेरा सामान कहां रखा है। हां, पहले सामान कहां रखा, फिर नंबर लगा करके जाएंगे, अपना सामान लेकर के आएंगे, गाड़ी निकालेंगे या फिर गाड़ी का इंतजार करेंगे। आज तो मैंने देखा गजब व्यवस्था किया था सरकार, हरियाणा गवर्नमेंट, मानना पड़ेगा। बहुत सीख लिया हमारे उत्तर प्रदेश। अरे वो तो खत्म है, नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं ऐसा बात नहीं है। उत्तर प्रदेश गलतियों से सीखा जाता है। अब इनकी वजह से एक सरकार सीखी, सीखना बिल्कुल रुक, बहुत ये बहुत अच्छी बात है कि समय रहते हम लोगों ने चीजों को सीख लिया। चलिए मैम जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम लोगों को पता है, इसी वजह से तो आपके साथ पढ़ाते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मतलब ये क्या बात है, मैम अकेले अच्छा पढ़ाती है, ये गुरुजी नहीं पढ़ाते, ये गुरुजी नहीं पढ़ाते, या ये गुरुजी नहीं पढ़ाते, ये गलत बात है। अकेले मैम की मतलब हम लोग स्वीकारिता नहीं करेंगे, सभी के साथ सामूहिक रूप से। मैम के साथ साथ उन्होंने सर के लिए भी लिखा था, एसडी सर का नाम नहीं लिखा, एसडी स्टडी, एसडी स्टडी, अरे ये अच्छा रहता है, ये सभी के क्लास में रहता है, सभी की क्लास में। अच्छा एसडी स्टडी, हां हाँ। एक बार सभी साथी तेजी से सेशन को शेयर करेंगे, जल्दी से बिल्कुल, और बिना डिले किए, बिना डिले किए फटाफट क्वेश्चन भेजे इस नंबर पे, जल्दी से क्वेश्चन। मैं हट जाता हूँ, मैं हट जाता हूँ, बच्चे नंबर, सारे बच्चे नंबर आपके सामने दिया गया है। देखो नंबर हमने पिन कर दिया है, कमेंट बॉक्स में भी चल रहा है, हमने पिन भी कर दिया है, जितने भी बच्चे आगे चलिए अभी कुछ इमेज फॉर्म में है। चलिए देखो, जितने भी सभी प्यारे छात्र हैं, देखो अगर आप लोग शेयर करोगे ना, उससे फायदा क्या होगा, उससे ये होगा हमारे पास आएगा क्वेश्चन पेपर फटाफट से। और जैसे ही अपन लोगों के पास क्वेश्चन पेपर फटाफट से आएगा, वैसे ही आप लोगों के आंसर्स जो है वो हम लोग कराना शुरू कर देंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, आप लोगों का जो पेपर है वो बहुत ही अगेन मैं बात करूं तो जैसा कि पैटर्न अभी तक चल रहा था कि इंग्लिश के आपके 15 क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के आपके 15 क्वेश्चंस हैं, हिंदी के 15 क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस, और उसके बाद जो है आपके हरियाणा जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट भैया, आप जो है नॉर्मल जीके जीएस को नहीं अलग छोड़ सकते हैं, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जितने भी सभी प्यारे छात्र हैं सभी एक बार, पहला ही क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है। पहला ही प्रश्न इकोनॉमिक्स का है, सभी साथी देखिए। बिल्कुल यहाँ पर एक प्रश्न है, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग अधिकांशतः संकेंद्रित है, यानी कौन सा उद्योग सेंट्रलाइज्ड है इस पर्टिकुलर में। चलिए सभी साथी बताएं। नहीं, लगा दिया हो गया। देखिए मैम, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, सबसे पहला प्रश्न मैं आया इसका पेन मैम थोड़ा सा। सभी साथी ध्यान दे। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अधिकांशतः संकेंद्रित है। एक्चुअली ये भूगोल का क्वेश्चन है, लेकिन अब भूगोल वाले सर जब से आएंगे तब से हम पता है, पहले ही बता देते हैं आपको, सुनो मेरी बात। देखो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकांशतः संकेंद्रित है। देखो ऑटोमोबाइल नहीं है, उर्वरक नहीं है, लोहा और इस्पात उद्योग आपका सही होना चाहिए। सभी साथी ध्यान देंगे। दूसरा प्रश्न मैं यहीं पर आपको बता दूं। साथियों सामान्यतः निम्नलिखित में से भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं माना जाएगा। ये भूमंडलीकरण शब्द का मतलब मैं आपको बता देता हूं क्या है। देखिए आपने सुना होगा एलपीजी,
एलपीजी, जहां पर एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, ठीक है बच्चा, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। देखो बच्चा उदारीकरण को भी यहीं पर मैं बता दूं, उदारीकरण का अर्थ यह होता है कि जैसे हमारे देश में पहले कोई भी सरकार, कोई भी काम, कोई भी प्रोडक्शन का काम करना रहता था तो उसमें हमें क्या करना होता था, कई सारे मतलब हमारी सरकारी कार्यालयों से गुजरना पड़ता था, हमें लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती थी, कई सारी चीजें थी। तो इस माध्यम से हमने एलपीजी के माध्यम से क्या किया, एलपीजी के एल के माध्यम यानी उदारीकरण के माध्यम से हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने लाइसेंसिंग प्रणाली में सुधार करी। दूसरा शब्द है पी, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण, निजीकरण का मतलब निजी कंपनियों को उत्पादन के लिए छूट देना। पहले क्या हुआ करता था कि कंपनियां जो थी, अगर सरकार ने कह दिया कि आपको 10 जैकेट बनाना है तो 10 से अगर 11 बना दी तो कंपनियों के ऊपर आर्थिक दंड लगाता था कौन, सरकार। तो उस स्थिति में कंपनियां उत्पादन के काम कम करती थी, तो इसके लिए प्राइवेटाइजेशन करके प्राइवेट कंपनियों को छूट दिया गया कि आप उत्पादन कितना भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप उत्पादन कितना भी कर सकते हैं। दूसरी बात, यहीं पर एक शब्द है ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन प्रश्न जो है वो ग्लोबलाइजेशन से ही है, भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण का मतलब ये है कि देखो हमने लिबरलाइजेशन किया, हमने ग्लोबलाइजेशन, हमने प्राइवेटाइजेशन किया, यह बात सभी को पता चले, सभी देश इस बात को जाने। एक बार पहले सेशन को शेयर कर दीजिए, एक बार सभी को जाने, सभी को शेयर कर दीजिए। अब ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के माध्यम से हमने इस बात को कहा पूरे विश्व से कि देखो हमने वैश्वीकरण कर दिया है, वैश्वीकरण कर दिया है, आप हमारे देश में आके निवेश कर सकते हैं। तो अब इसके माध्यम से क्या चीज नहीं होगा, आउटसोर्सिंग नहीं होगा, शुल्क अवरोध नहीं होगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं होगा, बहुपक्षीय व्यापार समझौते नहीं होंगे। देखिए आउटसोर्सिंग होगा, यह सही है, यह कह रहा है कि सामान्यतः इनमें से भूमंडलीकरण के माध्यम से कौन सा परिणाम नहीं है, तो नहीं में आप बताएंगे आपका आउटसोर्सिंग तो होगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI यानी विदेशों से निवेश आएगा, बहुपक्षीय व्यापार समझौते, अब जब निवेश होगा तो व्यापार समझौते तो होंगे ही होंगे, यानी ये दोनों होंगे, शुल्क अवरोध नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। इसके बाद गुरुजी आइए साथियों का आंसर दीजिए। देखिए मेरा यहां पर दो ही प्रश्न था, ठीक है, चलिए एक बार सेशन को सारे बच्चे शेयर कर दीजिए जल्दी से, ठीक है, जल्दी से सेशन को शेयर करिए ताकि सारे बच्चे सेशन का पूरा लाभ उठा पाए, ठीक है ना, जल्दी से सेशन को शेयर करें सबसे पहले। अब इसके बाद जो है आपका एक क्वेश्चन है 87 नंबर, तब तक हम ले रहे हैं, तब तक मैडम आएंगी, तब तक जो है बाकी टीचर आप लोग क्वेश्चन देख ही रहे हैं, तब तक आपको मैं एक क्वेश्चन आ गया, मिल गया मैम क्वेश्चन का आंसर, कर लीजिए कोई एक ही क्वेश्चन है, बाकी एक करा लो, कोई नहीं, हम बाकी क्वेश्चन देख रहे हैं आपको, अगर देखो यहां पर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बड़ा प्यारा सा, क्वेश्चन नंबर 87, हालांकि ये क्वेश्चन है आपका हरियाणा स्पेशल का, लेकिन हिस्ट्री से भी मैच करता है, तो हरियाणा स्पेशल का भी है, हिस्ट्री से भी मैच करता है, कि गांधी जी को किस दिन गिरफ्तार किया गया था रोल एक्ट के विरोध में, गांधी जी को किस दिन गिरफ्तार किया गया था रोल एक्ट में, तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, रोल एक्ट कब आता है, तो रोल एक्ट कब आता है 1919 में रोल एक्ट आता है, 1919 में रोल एक्ट आता है, तो 1919 में जब रोल एक्ट आएगा 1919 में, तो सिंपल सा लॉजिक है 1919 में जलियांवाला बाग कब होता है, तो 13 अप्रैल 1919 को होता है। तो आप यहां पर अगर कोई बच्चा हल्का फुल्का भी पढ़ने लिखने में ठीक है तब भी लॉजिक लगा लेगा, डेट बेसक उसे ना पता तब भी वो लॉजिक लगा लेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जब घटना हुई थी तो गांधी जी को पलवल में उतार लिया गया था, पलवल में उतार करके पलवल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था, तो कब किया गया था, तो 10 अप्रैल 1919 को। एक क्वेश्चन नंबर 87 आप बच्चे मार्क कर लीजिएगा, तब तक बाकी आपको मैम कराएंगी, लीजिए मैम फटाफट तेजी से कराएं। और बच्चे देखो आप लोगों की केमिस्ट्री के दो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और ये जो केमिस्ट्री के दो क्वेश्चन है जल्दी से एक बार इनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखो दोनों ही क्वेश्चंस आपके मैटर चैप्टर से आए हैं और इसके लिए तो प्रॉपर एक स्पेशल मैंने क्लास ली थी,
तो यहाँ पर एक ये क्वेश्चन कहता है आपके लिए कि इनमें से कोलोइडियल सिस्टम के बारे में या कोलोइडियल सॉल्यूशन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला है अ कोलोइड इज अ हेटरोजिनस मिक्सचर। हमने देखा था मिश्रण दो प्रकार के, एक होता है हेटरोजिनस एक होता है होमोजिनस। तो जो घोल होता है, जो विलयन होता है, वो क्या है? होमोजिनस। जैसे मैंने नींबू पानी का एग्जांपल दिया था, हर चम्मच में आपको सेम बाइट सेम सेम चीज आपको फील होती है। दूसरी तरफ हेटरोजिनस मिक्सचर होता है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर जो विलयक है और जो विलेय है, मतलब जो कोलोइड्स है, जो पार्टिकल्स है, वो क्या है, वो हर जगह पूरी तरह से एग्जैक्ट सेम में मिक्स नहीं है, यानी कि पूरे हर एक जगह आपको सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है मैम, कोलोइड क्या हेटरोजिनस मिक्सचर है? यस, कोलोइड आपका हेटरोजिनस होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। इसके अंदर जो पार्टिकल साइज था हमने कितना देखा था मैम, 10^-6 मीटर से लेके 10^-9 मीटर के बीच में इसमें पार्टिकल साइज होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम कोलोइड को क्या करें, अनडिस्टर्ब छोड़ दें, तो क्या इसके कण नीचे बैठ जाते हैं? अरे दूध एक कोलोइड है, क्या उसके कण नीचे बैठ जाते हैं? जब आप दूध को छोड़ देते हो, क्या दूध के अंदर जो भी वो है कोलोइडल पार्टिकल्स है, क्या वो नीचे बैठ जाते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या है मैम, इसके कण जो है नीचे तो नहीं बैठते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन होंगे और ये कोलोइड्स आर अनस्टेबल। बिल्कुल गलत बात है, ये सेटल डाउन नहीं होते हैं, तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो गया। तीसरा देखिए, कोलोइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। कोलोइड के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि उनमें से टिंडल इफेक्ट हो जाए, तो यस होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, जब प्रकाश के कण उस पे आके पड़ते हैं तो वहां पे प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है। ए और सी ऑप्शन सही है। यहां से देखेंगे आपको क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, ए एंड सी ऑप्शन एकदम सही हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, अब दूसरे उस पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपका इसी पेज इसी चैप्टर से आया है और ये चैप्टर का क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से कि इनमें से कौन सा कंपाउंड के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है। जब हम कंपाउंड या यौगिक की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं भैया, जो कंपाउंड होते हैं, जैसे हमने देखा क्या, हमने देखा हाइड्रोजन गैस, हमने देखी ऑक्सीजन गैस, इन दोनों को हमने आपस में मिलाया, बन क्या गया, जल बन गया, H2O बन गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके एटम्स थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स। अब जब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने एक फिक्स्ड रेशियो में मिले तो यहाँ पे बन गया वॉटर। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे देखो, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, यानी कि ये जो पानी है, क्या इसमें हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज दिख रही है? नहीं मैम। क्या इसके अंदर ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज दिख रही है? नहीं मैम, इसकी तो अपनी यूनिक प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस है, ये क्या है, पानी है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है। दूसरी चीज, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं इनकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज है, जब भी हम किसी एक बर्निंग कैंडल को लेके जाते हैं, हाइड्रोजन की वजह से वो पॉप आउट की साउंड से बुझ जाती है, लेकिन ऑक्सीजन उसको जलाए रखती है। पानी में डुबोगे जलती हुई कैंडल को, क्या होगा, बुझ जाएगी ना। तो इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है, नंबर वन, फर्स्ट ऑप्शन इसमें ए ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा देखिए, द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज फिक्स्ड। भैया आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कितने रेशो में मिक्स करना है, फिक्स होता है ना, हमने देखा था ना, हमें क्या करना है, हमको जब H2O बनाना है तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो क्या होनी चाहिए, 1:8 की रेशो जब रहेगी तब अपने पास क्या होगा, तब अपने पास यहाँ पे वॉटर बनेगा। तो इसका मतलब इसका जो रेशो है दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। लास्ट देखिए, थर्ड स्टेटमेंट इसमें कहता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है भैया, जो अपने कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं, वो सॉरी, जो भी अपने कंपाउंड्स होते हैं, इनको अगर आपको अलग करना है, ये अपना बेस्ट एग्जांपल है वाटर। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है, क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट हुए, यहाँ पे हो जाएगा बी एंड सी ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट है। ये दो क्वेश्चन आए थे आपके साइंस के, आप मुझे जल्दी से बताओ क्या इसमें कुछ टफ था। और अब देखो, आप ज्योग्राफी वाले सर अपने दो क्वेश्चन लेके आए कि मैडम दो क्वेश्चन तो मेरे भी आए थे, वो भी मैं बताना चाहूंगा बच्चों को, सर प्लीज। तो बच्चों, यहाँ पर उम्मीद है आप सभी बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा और यहाँ पर ज्योग्राफी के दो क्वेश्चन ढूंढ कर निकाला हूँ मैं यहाँ पर, और इसमें से तो काफी बच्चे बोलेंगे हरियाणा के, ये क्वेश्चन तो 1/18 / 91 सर, कौन सा 18वां, अगले पेज पे होगा, अगले पेज पे 18 ना, अगले पेज पे होगा, क्या देखिए 15 तक इस पे आगे 13 18
बच्चों यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन भी लग रहा है बट ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्यों फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से भिन्न को निकालना है। तो ऑप्शन है आपके पास बे ऑफ बंगाल, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, नॉट अटेम्प्टेड। ये तो आप सभी बच्चे ही कर दिए होंगे, है ना। तो यहां पर बे ऑफ बंगाल, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अरेबियन सी। तो अगर यहां पर बात करेंगे बच्चों, तो यहां पर ये जैसे कि पाला क्या हो गया, खाड़ी हो गया, ये सब के सब इंडिया के बगल में है। इंडिया के आसपास कौन सा मिलेगा आपको, बंगाल की खाड़ी मिलेगा, ठीक है। इंडिया के अगल बगल कौन सा मिलेगा, इंडियन ओशन मिलेगा। इंडिया के बगल में कौन सा मिलेगा, अरेबियन सी मिलेगा। लेकिन पैसिफिक ओशन की बाउंड्री भारत से कहीं टच नहीं होती है, ठीक है। प्रशांत महासागर की बाउंड्री कहीं से टच नहीं होती, यहां पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों, ठीक है। पैसिफिक ओशन का भारत से कोई लेने देना नहीं है। इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ये तीनों भारत की बाउंड्री से टच होते हैं, तो आंसर आपका यहां पर दूसरा हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन और है, नहीं बे ऑफ बंगाल नहीं, ठीक है। यहां पर क्या होगा, पैसिफिक ओशन, ठीक है। आप ये नहीं सोचेंगे खाड़ी, क्योंकि यहां पर फिर तो अगर आप इसे खाड़ी सोचेंगे तो यहां पर सिर्फ समुद्र है, उस लॉजिक से फिर आपका तो अरेबियन सी भी आंसर बन सकता है। तो ऐसा लॉजिक नहीं लगेगा जिसमें दो दो आंसर आने की संभावना होगी, आंसर लॉजिक वो लगेगा जिसमें सिर्फ एक आंसर आने की संभावना होगी, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अगर आप बे ऑफ बंगाल एक तरफ सही करोगे, जो लॉजिक सोचोगे तो उसी लॉजिक से फिर अरेबियन सी भी सही हो जाएगा, फिर वो गलत है। लॉजिक एक ही सही है कि इनकी बाउंड्री नहीं लगती। तो प्रशांत महासागर आंसर बिल्कुल 100% श्योर है। इसके बाद 91, पे आते हैं। अब बच्चों आप लोग ये मत बोलना हरियाणा का क्वेश्चन है। तो बच्चों सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, बिल्कुल आग लगा दीजिए इसमें, बढ़िया तरीके से, खतरनाक तरीके से आग लगा देना है बच्चों, एकदम सेशन में शेयर कर दीजिए धुआंधार तरीके से। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, हरियाणा, जो हरियाणा है ये किस लाइन के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है और ये आप में से सभी बच्चे बनाकर ही आएंगे, बनाकर आए होंगे। बताएं बच्चों हरियाणा किस लाइन के 300 मील उत्तर में स्थित है। भाई अगर 300 मील उत्तर में स्थित होने की बात है ना, तो यहां पर भूमध्य रेखा हो नहीं सकता, ये तो कहीं कुछ ज्यादा ही दूर है, ये तो ऐसी उड़ा दो इसको, ग्रीनविच से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है हटाओ। ये आपका टाइम से उससे रिलेटेड होता है, ये आपका, इससे हम टाइम निकालते हैं, डिस्टेंस नहीं। बात करते हैं मकर रेखा का, अगर मकर रेखा की बात करेंगे ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, 23.5 डिग्री साउथ दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा इसका कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है। तो आपका आंसर बच्चों यहां पर 91 का 1 सही हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये दो आंसर मैंने ढूंढ के निकाला था, दो क्वेश्चन ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी के यहां पर ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो एक 91 था और एक 18 नंबर क्वेश्चन था। चलिए एक बार सेशन को सारे बच्चे तेजी से शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक बच्चा इस सेशन का लाभ उठा पाए, क्योंकि सेशन जब शेयर होगा सारे बच्चे से जुड़ेंगे तो लेवल तभी तो समझ में आएगा क्या लेवल रहा सर। बिल्कुल, और बच्चों यहां पर बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस होगा, एक्यूरेट, कोई भी एक भी क्वेश्चन सर प्लस माइनस होने की संभावना नहीं है, जितना क्वेश्चन रहेगा सब कुछ रहेगा। चलिए अब यहां से क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं, कुछ और क्वेश्चन है जो आपके हिस्ट्री से रिलेटेड है और सारे कॉमन टाइप से भी है, तो हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों क्वेश्चन आपको हम यहां पर करवा देते हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर फोर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि नटराज की प्रतिमा, अगर आप क्लासेस याद करो जरा सा, साउथ इंडिया का कोई भी वीडियो उठा करके देख लो तो वहां पर बड़े बड़े उसमें मिल जाता है नटराज के कांस्य की प्रतिमा कहां देखने को मिलती है, किससे संबंधित है, तो भगवान शिव। अरे नटराज किसे कहते हैं, शिव जी को तो कहते हैं, डांसिंग गर्ल, इन्हें कहते हैं किंग ऑफ डांस, इन्हें एक साथ दिया जाता है किंग ऑफ डांस कहते हैं किसे, तो नटराज की प्रतिमा को, तो किंग ऑफ डांस के नाम से फेमस है नटराज की। एक बार तेजी से सेशन को शेयर कर दो ताकि हर एक बच्चा इसका लाभ उठा पाए। तो किंग ऑफ डांस ये हो गया आपका 4 का 2 आंसर हो गया। इसके बाद आ जाए हम क्वेश्चन पे, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है फटाफट मिलाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जो आपके पॉलिटी का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पॉलिटी का सवाल है, तो पॉलिटी के सवाल का आंसर आपको मिल गया है, तो 7 का 1, पॉलिटी का 7 का 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 के जो संविधान के अंतिम अनुच्छेद भी है किसके प्रावधान के बारे में बताती है, तो 7 का होगा क्या, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के निरसन के बारे में बताती है, ये होता आपका कौन, तो पहला आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 8, मतदाता जंक्शन का मतलब क्या होता है, तो मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई रेडियो की एक श्रृंखला क्या कहलाती है आपकी, मतदाता जंक्शन कहलाती है, मतदाता जंक्शन। ठीक, इसके बाद अगर हम बात कर ले अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर आपका आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 84 सब कुछ एक क्रम से करवा देते, 83 84 क्वेश्चन नंबर 83 84 क्या पर देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर 83 84 क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा, हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है, हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं, तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं। देखो काला ताजमहल किसे कहते हैं, काला ताजमहल जो होता है आपका औरंगाबाद वाला ताजमहल, तो आपका ताजमहल ही है। प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल किसे कहते हैं, ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहते हैं, ताजमहल का पूर्वगामी हुमायूं के मकबरे को, ताजमहल तो आपका ताजमहल ही है, काला ताजमहल जो है बीबी के मकबरे को कहते हैं। उसी तरह से यहां के ताजमहल को तो बहुत पुराने शेख चिली की कहानी आपने सुनी होगी, तो शेख चिली के मकबरे को कहते हैं हरियाणा का ताजमहल, शेख चिली के मकबरे को कहते हैं क्या, हरियाणा का ताजमहल। दूसरा क्वेश्चन हरियाणा का, ये भी हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचारकर्ता कौन थे, तो होम रूल आंदोलन के प्रचारकर्ता हरियाणा में कौन थे, लो इसको भी हम बता दे रहे हैं, हरियाणा में होम रूल के प्रचारकर्ता कौन थे, तो लाल मुरलीधर इसके प्रचारकर्ता थे, कौन, लाल मुरलीधर। और क्वेश्चन पे आ जाए, हांसी में स्थित पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए अस्थिगढ़ के किले का निर्माण कब करवाया, तो पृथ्वीराज चौहान कब थे, तो 11वीं 12वीं सदी में, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12वीं सदी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। हरियाणा का ताजमहल किसको नहीं पता बताओ, सबको पता ना, अस्थिगढ़ का किला सभी को पता है, तो दोनों आंसर आपको हो जाएगा 12वीं सदी। ये आपके क्वेश्चन हो गए, इसके बाद बात कर ले तो ये आपके मेन क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हिंदी के आपके सर आ जाएंगे, हिंदी के क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे, हिंदी। अरे विजय सर हो गए तुम्हारे, विजय सर हो गए, चलिए यहाँ पे विजय सर कराएंगे आपको हिंदी के सवाल। विजय सर आपको एक बार तेजी से सेशन को शेयर मारो यार, जब शेयर मारोगे तभी तो काम होगा, तो सेशन को शेयर मारो जल्दी से, बाजीराव की रफ्तार शेयर मारो फटाफट, ठीक है, 1000 पार की हो, 5000 कम से कम चाहिए, तो जल्दी से शेयर करो ताकि हर बच्चा लाभ उठा पे फटाफट। देखो इसलिए हम लोग ज्यादा टाइम नहीं ले रहे, अभी आपके ताजमहल में कम से कम लेते हैं 15 मिनट बताते, इस ताजमहल के हरियाणा के ताजमहल की खासियत हम आपको 15 मिनट बताते, लेकिन चूंकि एनालिसिस है तो बहुत ज्यादा टाइम हम लोग किल नहीं कर रहे, इसलिए डायरेक्ट आंसर पे बना रहे, तो फटाफट तेजी से सेशन को शेयर करो। चलो सर शुरू करो हिंदी वाले क्वेश्चन, चलेगा, ध्यान से देखेंगे भाई सभी विद्यार्थी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। यहां से कितना था, ठीक है ध्यान से देखेंगे भाई, चलिएगा, बहुत शानदार बहुत बढ़िया। यहां से हम हिंदी के प्रश्नों को देखना करते हैं प्रारंभ, ठीक है, हिंदी के प्रश्नों को देखना प्रारंभ करते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे भाई, ध्यान से देखेंगे, एक एक विद्यार्थी बहुत बढ़िया लाजवाब, ठीक है ना, 61वां प्रश्न है, जानदार शानदार तरीके से देखेंगे जी, बहुत बढ़िया। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तद्भव का उदाहरण है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव का उदाहरण है, क्या पूछा, अरे यार मोबाइल पे देखने पड़ेंगे, यहां दिख कमरे, चरखा भौरा क्या ये, एक मिनट यार, क्या ये बरस, ठीक है, अरे वो तो ठीक है, ये क्या है, ये लिखा क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है, बरस, अरे वो दिख नहीं,
ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ से इसका सही होगा। देखिएगा ये भक्त, तो इसका भाई यहाँ से तत्सम क्या होता है, ये इसका तद्भव क्या होता है, भगत होता है, आप लोग जानते हैं। तो ये क्या है, तत्सम है। बहुत शानदार। कह रहा निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का भावार्थ, ठीक है यहाँ से देखिएगा। अगला प्रश्न अब आप सभी के समक्ष है, अगला प्रश्न है अब आपसे कह रहा है कि बताइए, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है, किसका भावार्थ सुसंगत नहीं है। बहुत शानदार, ध्यान से देखिएगा एक बार। तो कह रहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसके लिए क्या कह रहा कि यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिल सकता है। बिल्कुल भाई, ये क्या है, बिल्कुल सही वाक्य, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। तो ये सुसंगत है, इसमें गलती नहीं है। आ बैल मुझे मार, क्या हो जाएगा, जान बूझ कर विपत्ति में पड़ना। तो ये अर्थ भी यहां से बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही हो जाता है। अगला कह रहा काला अक्षर भैंस बराबर, ध्यान से देखिएगा, काला अक्षर भैंस बराबर का आशय क्या है। तो निरक्षर यहां से इसका आशय हो जाता है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। कह रहा है बहती गंगा में हाथ धोना, तो क्या इसका आशय होगा असंभव कार्य को संभव करना। पर ये अर्थ नहीं होगा, बहती गंगा में हाथ धोना का मतलब तो हो जाता है अरे मौके का फायदा उठाना, ठीक है मौके का फायदा उठाना। अब यहां पर मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं चीजों को, आप लोग बढ़िया तरीके से जानते हैं, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न अब आप सभी के समक्ष है, अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है। कह रहा 63वें प्रश्न में, ध्यान से देखिएगा 63वें प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द क्रिया का प्रेरणार्थक रूप है। ध्यान से देखेंगे, क्रिया का प्रेरणार्थक रूप आपसे पूछ लिया है। आप लोग जानते हैं कि प्रेरणार्थक में हम क्या करते हैं, आना, क्या जोड़ते हैं हम, आना या फिर वाना शब्द को जोड़ते हैं, ठीक है ना। ऐसा जुड़ा हुआ आपको मिलता है वहां पर क्या होता है, प्रेरणार्थक होता है, ठीक है वहां पर प्रेरणार्थक होता है। तो देखिएगा यहां पर है बिठाना, बिठलाना, हकलाना और हकलाहट, ठीक है ये हो जाते हैं। तो देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो नहीं हो सकते, ये दोनों तो सीधे कट गए भाई। अब क्या है, बिठाना, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं अर्जुन बेटे को, अर्जुन ठीक है छोटे भाई को कुर्सी पर बिठाना, तो बिठाना यहां पर ये क्या है, प्रेरणार्थक है, ठीक है ना। और बिठलाना, उसको कहा कुर्सी पर बिठलाना, ठीक है ऐसा जब मैं कहूं तो वहां से क्या हो जाएगा भाई, ये वाला भी क्या है, प्रेरणार्थक। मतलब इसमें क्या है मित्र, इसमें क्या है कि यहां पर देखिएगा, हालांकि आयोग किसके पक्ष में जाने की संभावना है, मुझे क्या लगेगा कि भाई वो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएगा, बिठाना ये क्या है, प्रेरणार्थक है, ठीक है। परंतु इसमें भी क्या है, प्रेरणार्थक वाला भाव निहित होता है, आयोग इसमें ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ देखिएगा, अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष कह रहा है कि संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में से किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में, अब देखिए संयुक्त वाक्य आप जानते हैं कि जिसमें दो वाक्य जुड़े होते हैं, जिसमें भाई दो वाक्य जुड़े होते हैं, ठीक है ना, जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, ऐसे शब्दों से जुड़ते हैं, ये संयोजक अव्ययों से। तो समानाधिकरण उपवाक्यों में, जहां पर समानाधिकरण उपवाक्य होगा तो वहां पर क्या भाई, किस किस से जुड़ सकते हैं, किस मतलब कह रहा है कि किस प्रकार के, किस प्रकार से संबद्ध नहीं होगा, किससे संबद्ध ये नहीं होगा, ये आपसे कह रहा। तो क्या नहीं हो सकता भाई, संयोजक से हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां से देखिएगा क्या, परिमाण बोधक से हो जाएगा, ठीक है ना, विभाजक से हो जाएगा। पर जब आप विधेयवाचक की बात करें तो भाई इससे समानाधिकरण उपवाक्य नहीं जुड़े होते, ऑप्शन नंबर सी वाला यहां से इसका सही है। बहुत बढ़िया बच्चे, बढ़िया उत्तर दे रहे, मतलब शानदार करके आए हो तुम लोग यार, बहुत बढ़िया करके आए हो, लाजवाब करके आए हो भाई, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कहां तक कर लिया हमने, 64 तक, आइए 65 पर आ जाते हैं, आएंगे भाई, आइए देखिएगा 65वां प्रश्न कह रहा है। अब ये क्या कह रहा है आपसे भाई, 65वें में कह रहा है कि पुरुषोत्तम समस्त पद का विग्रह क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, पुरुषोत्तम समस्त पद का विग्रह क्या होगा, ये आपने यहां से बताना। तो क्या होगा पुरुषोत्तम, देखिए यहां से जब मैं इसका समास विग्रह करता हूं तो ये हो जाएगा पुरुषों में उत्तम। क्या है भाई यहां से, समास विग्रह है इसका पुरुषों में उत्तम। तो जब आप पुरुषों में उत्तम की बात करें तो यहां पर मैं किसका कार्यक्षण होता है, आप भली भांति जानते हैं, अधिकरण का कार्यक्षण होता है, अधिकरण कारक का कार्यक्षण है। तो अधिकरण तत्पुरुष यहां से इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला आपसे कह रहा, उदयाचल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा। उदयाचल, ठीक है, अरुण उदयाचल तुझे जाने न दूंगा, ठीक है। देखिएगा अब देखिए उदयाचल, तो उदयाचल की बात कर रहा है, सूर्योदय से पूर्व का समय, ऐसा पहला विकल्प कह रहा है।
कह रहा सूर्य के अस्त होने का स्थान, और अगला कह रहा कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है और पर्वत के पास की भूमि, मतलब आपको विकल्प देखते ही पता लग रहा होगा कि क्या है यहां से। भाई सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है तो उसको हम उदयाचल कहते हैं, ये वाला इसका सही हो जाता है। सर जूम कर लो, जूम थोड़ा सा और कर लेंगे लीजिए, ठीक है और जूम कर देता हूं इसके अगले वाले प्रश्न को, आइएगा और जूम कर देते हैं इसके अगले वाले प्रश्न को। वैसे मैंने अपने आप में बहुत पर्याप्त किया, पर फिर भी लो लो भाई तुम्हारी तसल्ली के लिए और कर देंगे, तुम कहो ना तो बिल्कुल जरूर कर देंगे। ठीक है भाई तुम ही तो अपने खास हो, बाकी सब तो बकवास है। ठीक है चलिएगा देखते हैं, यहां से कह रहा आग के लिए क्या, आग के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा, पावक अनल अनिल अग्नि, उत्तर नहीं देना चाहते। ये विकल्प तो मतलब दिल खुश कर दे रहा है कसम से, उत्तर नहीं देना चाहते, वाह वाह मजा आ गया कसम से, उत्तर नहीं देना चाहते भाई। ये वाला मैं देख भी रहा था उस दिन गुरु जी को जब अभिषेक सर पढ़ा रहे थे, भाई उन्होंने काफी बार ये कराया है अनल और अनिल, कराया है कि नहीं भाई। यहां से देखिएगा ये जो अनिल शब्द है मित्र इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है वायु, तो इसका मतलब वायु है, ध्यान देंगे यहां से। ठीक है ना 67वां प्रश्न ऑप्शन नंबर ये तीसरा यहां से इसका सही हो जाता है। ठीक है ना ऑप्शन नंबर तीसरा यहां से इसका सही हो जाता है। रुक जा मित्र रुक जा चलिएगा इतना हुआ, अगले पर आ जाते हैं। अगले प्रश्न पर कह रहा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है बताएंगे। 68वां प्रश्न ये आप लोगों के लिए, ठीक है 68वां प्रश्न है। हाँ चलिए ध्यान से भाई एक बार ध्यान से देखेंगे, एक बार बढ़िया तरीके से यार सेशन को शेयर जरूर करेंगे, एक बार बढ़िया तरीके से सेशन को शेयर जरूर करेंगे। मतलब यार तुम शेयर नहीं कर रहे हो, और एनर्जी वो जो सुबह वाले सेशन में एनर्जी थी, जो सुबह के सेशन में आपके बीच एनर्जी थी वो कहां गई, वो कहां गायब होगी ये बताओ तुम मुझे, वो कहां गई। मतलब पेपर बढ़िया हुआ है ना, बहुत शानदार हुआ, इतना बढ़िया पेपर आया है तो उसमें यार मतलब ऐसी तो बात ही नहीं है कि कहीं कुछ ऐसा पूछ लिया कि गुरुजी क्या करेंगे इसमें, ऐसा तो कुछ था नहीं भाई, बहुत बढ़िया पेपर है, ध्यान से देखेंगे, एक बार बढ़िया तरीके से शेयर जरूर कर दो। कह रहा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध, ध्यान से देखिएगा भाई। तो यहां से श्रीमती शब्द सही है, लब्ध प्रतिष्ठ, ठीक है लब्ध प्रतिष्ठ शब्द सही है। अगला देखिएगा विधिवत शब्द सही है, पर जब आप देहिक की बात करें, देह धन एक प्रत्यय से बनता, तो एक प्रत्यय क्या करता है पहले वाले स्वर में वृद्धि कर देता है, देह धन एक, यहां से देखिए देह धन एक से ये बनता है, और ये क्या बन जाएगा, ये यहां से क्या दैहिक बन जाता है मित्र, कैसे, तो ये दैहिक शब्द बनेगा, याद रखेंगे। ठीक है भाई ये वाला यहां से इसका सही है। अब आप लोग देख लो आप क्या क्या करके आओ, एक बार मुझे बताओ भाई आप लोग यही करके आए कि नहीं, इसमें यार गलती नहीं होनी चाहिए, इसमें गलती की संभावना थी ही नहीं, बढ़िया प्रश्न था, ठीक है ना बढ़िया प्रश्न था। आगे देखिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगली स्लाइड में आएगा। ओके ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे यहां से, जी जी तो कह रहा है, ध्यान से कह रहा है कि दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, क्लियर दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करूं, थोड़ा सा और जूम कर दूं, दिख रहा होगा वैसे फिर भी देख लो, लो कह रहा कि दिए गए किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो किसमें, चार में, सदाचार में, दार में और जार में। ठीक है यहां से देखिएगा, तो सदाचार शब्द की जब आप बात करें, यह कई बार कराया गया प्रश्न है, रिपीट होने वाला प्रश्न है, चाहे आप सदाचार शब्द की बात करें, चाहे आप सज्जन शब्द की बात करें, बहुत बार आने वाले शब्द होते हैं। तो यहां से सद आपके पास उपसर्ग होता है, यहां से इसमें क्या भाई आचार शब्द जुड़ जाता है, आचार, तो सत मतलब होता है अच्छा। ये वर्ग जब भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल वर्ग किसी भी स्वर के साथ होता है तो यह किसके वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, और यहां से क्या भाई सदाचार शब्द बनता है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका सही है। ठीक है ना जल्दी से एक बार शेयर करो यार, चलेगा यहां से देखिएगा, तो सदाचार शब्द यहां से इसका सही हो जाता है, क्या सदाचार शब्द। अगला देखिएगा, आगे आपसे प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 70वां, देखिएगा 70वें प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है ना मतलब जब जब मैं इस विकल्प को देख रहा हूं कि भाई क्या कि उत्तर देना नहीं चाहते, मजा आ जा रहा है कसम से, कसम से मजा आ जा रहा है। कह रहा है भाई कैंदो ऋतुराज काज अवनी,
उसास लेत किंदो यह ग्रीष्म की भीषण लुआर है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां कहा जा रहा है कि ये जो ऋतु है भाई ये ग्रीष्म ऋतु की अग्नि है, ये ग्रीष्म ऋतु की अग्नि है या फिर क्या है भीषण आग की लपटे हैं। मतलब या तो ये ग्रीष्म की, ये ग्रीष्म ऋतु की लपटे हैं या फिर आग की लपटे हैं। भाई संदेह हो रहा है यहां पर, क्या संदेह हो रहा है? तो कौन सा अलंकार? संदेह अलंकार। ध्यान से देखिएगा कि कैंधो ऐसे जहां पर भी आएंगे वहां पर संदेह अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला 70 तक किया, 71वें प्रश्न को देखते हैं। 71वां प्रश्न आप सभी के समक्ष है, 71वें प्रश्न को देखिएगा। अब आपसे कह रहा है कि विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को छांटना है। भाई 71वां प्रश्न आप सभी के समक्ष है, 71वां प्रश्न है, विराम चिन्ह की दृष्टि से आपने क्या करना है तो अशुद्ध वाक्य को छांटना है। बहुत शानदार। कह रहा काश यह काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, काश के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, तो यहां पर कहीं कोई दिक्कत अभी तक तो मुझे नहीं लग रही है। मैं आगे एक बार देख लेता हूं। कह रहा है हम सब जानते हैं कि, हम सब जानते हैं कि यह वह बुद्धिमान भी है और कुशल भी, ठीक है। हम सब जानते हैं कि वह बुद्धिमान भी है और कुशल भी, ठीक है। चलिए एक बार आगे पढ़ लेते हैं। उसने बताया कि वे सुबह सुबह घर छोड़ देंगे और अरे अरे सांप उत्तर नहीं देना चाहते, ठीक है। ध्यान से, यहां से बहुत बढ़िया, लाजवाब। तो यहां से भाई क्या करके आप लोग एक बार बताएंगे, ठीक है। क्या करके आए हैं इस प्रश्न में आप लोग एक बार बताइएगा, ठीक है। चलेगा, बहुत शानदार। ध्यान से देखेंगे इसमें आप क्या करके आए, ठीक है। यहां से जो की जब मैं बात करूं की, ठीक है, की में आप देख रहे हैं विराम चिन्ह लगा है, ठीक है ना। उसने बताया कि वे सुबह घर छोड़ देंगे, ठीक है। उसने बताया कि वे सुबह घर छोड़ देंगे, यहां क्या है भाई, इस वाले वाक्य में अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर सी में इसमें अशुद्धि है। आगे बढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला 72वां, 71 कर लिया था ना, अब आ जाता है 72वें प्रश्न पर। 72वें प्रश्न को देखिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा आनी प्रत्यय से बना शब्द है। प्रत्यय, बस आनी आपने देखना, किसके अंत में आनी आ रहा भाई, धनी के अंत में आनी है क्या, धनी के अंत में आनी है क्या, कैसे नहीं, ठीक है। चाय दानी, इसमें भाई चाय दानी में आनी दिख तो रहा है, मतलब बोलने में तो आनी आ रहा है, पर इसमें आनी प्रत्यय नहीं है, ठीक है ना। अगला कह रहा शिवानी और दर्शनीय, तो आपके पास क्या हो जाएगा, शिव धन आनी, ठीक है, शिव धन आनी, यहां पर आनी प्रत्यय लगा हुआ है। इस वाले में विकल्प संख्या सी में आनी प्रत्यय लगा है, याद रखेंगे यहां से इस बात को, ठीक है ना। अगला देखिएगा, अगला, ठीक है, 72 तक किया हमने, 73वें प्रश्न पर आ जाते हैं। आइए 73वें प्रश्न पर आ जाते हैं, ये है, आइएगा। हाँ, तो क्या पूछ रहा है आपसे, मतलब लड्डू से भी लड्डू लेवल का प्रश्न है भाई, बर्फी भिजवा देना, बर्फी वाले गुरुजी पहचानते हो ना तुम। देखो फिर क्या है 73वां प्रश्न, 73वां प्रश्न आप लोगों के लिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है, दीर्घ संधि, यण संधि, समृद्धि संधि, अयाद संधि, उत्तर नहीं देना चाहते भाई। ये देखिए समृद्धि संधि, ये देखिए क्या यार, मतलब इससे आसान प्रश्न कुछ मिलेगा तुम्हें, ये बताओ। हाँ, एक लड़का कह रहा पढ़ा नहीं पागल, तो पहले क्यों नहीं पढ़ा, पढ़ना चाहिए था। मतलब ये प्रश्न देखो कोई भी कर ले यार, दीर्घ संधि होती है, यण संधि होती है, अयादि संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, गुण संधि होती है, ये सारे संधि का प्रकार है, पर ये समृद्धि संधि कौन सी आ गई, कोई नहीं होती। यहां पर क्या हो सकता था, वृद्धि संधि होना चाहिए था, समृद्धि कोई संधि नहीं होती यार, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 73 तक आपने किया, अब हम आ जाते हैं 74वें प्रश्न पर। 74वां प्रश्न आप देखिएगा, ठीक है, 74वां प्रश्न आप देखिएगा। तो 74वें प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य में क्या कारक चिन्ह का सर्वाधिक, ध्यान से देखिए, कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है। कह रहा किस डाली में आम लटक रहे हैं, किस डाली में आम लटक रहे हैं। अगला कह रहा बाढ़ के जल से पूरा घर डूब गया है, तितली फूल में रस पी, क्या फूल में रस पी रही है, और खेतों में हल चल रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास चार विकल्प है, अब आप लोग बताएंगे कि कौन सा वाला सही होगा। हाँ, अब देखिएगा यहां से भाई कह रहा किस डाली, तो किस डाली नहीं, क्या कहेंगे, कौन सी डाली, क्या कौन सी डाली, ठीक है ना, कौन सी डाली में आम लटक रहे हैं, कौन सी डाली में आम लटक रहे हैं, बाढ़ के जल से। अब देखो यार आपसे क्या कहा कि ये क्या कह रहा है कि किसमें सर्वाधिक उपयुक्त, मतलब यहां पर तो, अब यहां पर
किस डाली में आम लटक रहे हैं। पहली बात तो डाली में नहीं क्या होना चाहिए, अब आप कारक चयन को पूछा ना इसने, आप कारक क्या कारक चयन कहा था ना कहीं पर, हाँ कारक चयन का, देखिए आप कारक चयन पर आओ सीधे, किस डाली में, तो मैं नहीं होगा डाली, देखिए जब अगर मैं घर के अंदर बैठा हूं तो घर मैं कहूंगा, लेकिन छत पर तो यहां से ये क्या है जी, ये क्या है, यहां पर मैं की जगह पर होना चाहिए, तो ये वाला गलत हो गया। कह रहा बाढ़ के जल से पूरा घर डूब गया, यहां पर तो देखिए पहली बात सीधे यहीं पर गलती हो जाती है इसमें, बाढ़ के जल, भाई बाढ़ का मतलब सीधी बात जल होगा ही होगा यार, बाढ़ का मतलब तो जल है ही है, तो ये भी क्या है गलत। तितली फूल में रस पी रही है, ठीक है तितली फूल में नहीं फूल का, ठीक है यहां से खेतों में हल चल रहे हैं, ये क्या है भाई खेतों में हल चल रहे हैं, ये वाला यहां से उपयुक्त हो जाता। अगला देखिएगा, अगला देखिए यहां से अब अंतिम प्रश्न एक बार कर लेते हैं, ठीक है ना अंतिम होगा शायद से ये 75वां प्रश्न, कह रहा है कि यहां से मैं आपका डैश हूं, मैं आपका डैश हूं वाक्य के रिक्त स्थान के लिए कृतघ्न का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम क्या होगा। कृतघ्न, कृतघ्न मतलब किसी पर आपने एहसान किया और वो उस एहसान को भूल जाए, वो होता है कृतघ्न। एक बार भाई बढ़िया तरीके से सेशन को शेयर जरूर करेंगे यार, एक बार बढ़िया तरीके से सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए, हम इतनी एनर्जी लगाकर इतनी मेहनत लगाकर आपके लिए पढ़ा रहे हैं, आपको पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं, लाइव सॉल्यूशन दे रहे हैं आप सभी को, तो एक बार बढ़िया तरीके से सेशन को शेयर जरूर करेंगे। तो कृतघ्न क्या होता है भाई, इसका विलोम की जब हम बात करें तो क्या हो जाएगा कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब जो अपने जो किए गए एहसानों को मानता हो, कृतज्ञ उसे कहते हैं। तो 75वां प्रश्न विकल्प संख्या 4, ये यहां से इसका सही हो जाता है, विकल्प संख्या 4 यहां से इसका सही हो जाता है। तो यहां तक मतलब हिंदी का जो क्रम है ये हुआ पूरा, इतने ही प्रश्न है ना, हाँ चलेगा। तो यहां पर हिंदी का जो हमारा क्रम है, हिंदी के जो हमारे प्रश्न है वो हो गए हैं पूरे भाई। एक बार यार बढ़िया तरीके से सेशन को भाई, सभी से निवेदन है, सबसे एक एक विद्यार्थी से मेरा निवेदन है कि एक बार बढ़िया तरीके से सेशन को शेयर कर देंगे, ठीक है आइए चलेगा, एक बार बढ़िया तरीके से सेशन को शेयर जरूर कर देंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हिंदी का क्रम हुआ है पूरा, यहाँ हिंदी का क्रम पूरा हुआ है, पर यार एक बार शेयर नहीं करोगे ना आगे नहीं बढ़ाएंगे, मतलब आगे का सोल्यूशन नहीं बताएंगे, एक बार बढ़िया से शेयर करो यार, एक बार सेशन को शेयर करेंगे, और जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करेंगे। और लास्ट में मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, आपका स्कोर कितना रहा ये जरूर मुझे अंतिम में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर ये स्कोर रहा, आइएगा ठीक है बहुत शानदार। अब शशांक सर आ चुके हैं बिल्कुल धुआंधार तरीके से, आगे का सोल्यूशन आपको कराने जा रहे हैं, पर उससे पहले एक बार शेयर कराओ यार, उससे पहले एक बार शेयर कराओ, क्यों गुरुजी बड़ी, उसके बाद मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, बड़ी देर से वेट कर रहा था कि सर जल्दी जल्दी समाप्त करें, क्योंकि इतने समय से आपको पढ़ा रहे हैं और मतलब इतनी इच्छा थी कि क्या क्या आपके पेपर में आया हुआ है पढ़ाया हुआ, क्योंकि पूरी ईमानदारी के साथ पूरी मेहनत के साथ आपको जो है वो पढ़ाया गया। तो चलिए देख लेते हैं हमको जीके जीएस के क्वेश्चन जो आज पूछे गए। सबसे पहले तो भैया सभी लोग जमकर जो है वो एक बार शेयर कर दें, और आप लोग एक बार ये बता दें जिन लोगों ने अभी तक जो है वो पेपर देकर आए कि किस प्रकार का जो है वो आपका यहाँ पर पेपर रहा आज का, वो भी एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ सवाल कुछ क्वेश्चन हमको यहाँ पर मिले हैं जीके जीएस के, वो एक बार हम लोग एक वहां पर जो है वो नजर डाल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही जो हमारा यहाँ पर आया था वो यहाँ पर देख लेते हैं, चलेगा। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया था वो क्या है, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग अधिकांशता जो है वो संकेंद्रित है, ये सवाल यहाँ पर आया था। तो इसका आंसर क्या होगा वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, मैंने आपको छोटा नागपुर के पठार के बारे में जो है वो क्लियरली समझाया हुआ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, लोहा और इस्पात उद्योग जो है वो यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा आपको, छोटा नागपुर के पठार के एरिया में जो है वो देखने को मिलने वाला था। ये तो समझ में आ गया, मतलब हमने जो पढ़ा है साहब सब वहीं से। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर देखो देख लेते हैं, चलेगा। अभी देखो हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन वो आ रहा है, एक नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति का संबंध किससे है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, भगवान शिव से है, भगवान शिव जो है वो इसमें नृत्य करते हुए दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं नृत्य करते हुए दिख रहे हैं, तो किससे संबंध रहेगा, नटराज की मूर्ति का संबंध किससे है, भगवान शिव से, और यहीं से निकले हैं सारे शास्त्रीय नृत्य। और भैया जिनकी आने वाली शिफ्ट में पेपर है वो ध्यान रखिएगा, 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, पहले 7 थे फिर एक और जुड़कर कितना हो गया 8 हो गए, 8वां कौन सा जुड़ा है, तो 8वां जो प्लस 1 जो जुड़ा है वो जुड़ा है क्षत्रिय नृत्य, कौन सा जुड़ा है क्षत्रिय नृत्य जुड़ा है, जो कि कहां का नृत्य है, तो ये आपके असम का नृत्य है, कहां का है
असम का नृत्य इसको आप बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है आज की शिफ्ट में, वो और यहाँ पर देख लेते हैं। मतलब पेपर के हम जीके का लेवल देखते हैं तो मुझे तो कुछ खास लगा नहीं, हमने तो इससे ज्यादा डीप में जो है वो पढ़ाई करी है, इससे ज्यादा जो है वो हमने पढ़ा हुआ है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, कठोर सतहों जैसे पत्थर अथवा धातु पर उत्कीर्ण लिखाई के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मतलब पत्थर या धातु पर हम कुछ लिखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तो सिंपल है, उसे कहा जाता है एपिग्राफी। क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं, मतलब पुरा लेख शास्त्र कहते हैं, पुराने समय में लिखा गया शास्त्र। तो वो किस पर लिखते थे? वो धातुओं पर लिखते थे या फिर जो है वो पत्थरों पर इसे लिखा करते थे। तो आपका राइट क्या होगा यहाँ पर, जूम करना है, जूम तो कर दिया है और कितना जूम करवाओगे। चलिए तो देखिए यहाँ पर किस से लिखते थे, तो वो होगा आपका पुरा लेख शास्त्र जो है वो यहाँ पर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में लिखिएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पर आया, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ से, तो ये आपका एक प्रकार से देखा जाए तो पॉलिटी का क्वेश्चन है, या हम बोलेंगे इतिहास से सवाल आया है। क्या बोला गया है? नियति के साथ साक्षात्कार भारत की आजादी का एक प्रसिद्ध भाषण, ये भाषण दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जब वो पहली बार जो है वो सभा में भाषण दिए थे, तो पहली बार जो भाषण दिए थे उसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया, जिसे नियति के साथ साक्षात्कार जो है वो उसका क्या था, टाइटल था। समझ में आ गया? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। आपको एक और चीज पता है साहब, 13 दिसंबर 1946 में क्या किया था भैया जवाहरलाल नेहरू ने, संविधान सभा में जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर क्या बना, भारत के संविधान की उद्देशिका, या जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में प्रस्तावना कहा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन बना है वो क्या बना है जरा उस पर देख लेते हैं। जूम करिए सर बोल रहे हैं, चलिए और जूम कर देता हूं, इससे ज्यादा जूम तो होता भी नहीं है, तुम लोगों की क्या आंखों में दिक्कत हो गई है। चलिए आ जाओ जल्दी से यहाँ पर, इसका आंसर करके बताओ क्या है ये आज पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 395 जो संविधान का अंतिम अनुच्छेद भी है, निम्नलिखित में से किसके प्रावधान के बारे में बताता है, बताओ जल्दी से किसके प्रावधान के बारे में बताता है ये। तो इसका सिंपल ये है कि भैया जो हमारे यहाँ पर आखिरी अधिनियम आया था अंग्रेजों के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसमें बात करी गई थी कि भैया भारत और पाकिस्तान नाम के दो अधिराज्य बना दिए जाएंगे, भारत और पाकिस्तान के लोग जो है वो अपना संविधान स्वयं बनाएंगे, और जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता 1935 के अधिनियम के माध्यम से क्या चलेगा, दोनों देश अपना काम करेंगे, ऐसे बहुत सारे प्रावधान थे। तो यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का क्या कर दिया गया, निरसन कर दिया गया, उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, इसको आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है सभी को? तो ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा गया है, आप इसे इतिहास से ले लें या पॉलिटी से ले लें, आप इसको अपने तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या लिखा है, मतदाता जंक्शन का संबंध किससे है। तो भैया मतदाता जंक्शन जो है वो आपका मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई एक रेडियो श्रृंखला है, समझ रहे हो। देखो आसपास में जो भी चीजें होती है ना, सवाल बनते वहीं से हैं और कहीं बाहर से नहीं आते। जैसे आपके आने वाली शिफ्ट में जो सवाल आ सकते हैं वो आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से भी आ सकते हैं, मैंने पढ़ाया है, मैराथन क्लासेस को जरूर एक बार जो है वो पढ़ लीजिएगा। चलो इसके आगे आते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, और आप यहाँ पर देखोगे आपका एक और क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है, और वो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भैया। चलेगा तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर और आया हुआ है जीके का जो आप देख सकते हो, और वो पूछा गया है किससे, तो वो आपका पूछा गया है भैया 68वें फिल्म पुरस्कार से। 68वें फिल्म पुरस्कार से पूछा गया है कि यहाँ पर सामाजिक मुद्दों पर जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो कौन सी है। तो वो आपकी जो फिल्म है वो कौन सी है, वो है आपकी फ्यूनरल, ठीक है। फ्यूनरल जो है वो यहाँ पर है, जो कि मराठी भाषा की फिल्म है, वो यहाँ पर जो है वो पूछी गई है। तो ये जो है वो आपके क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, जीके जीएस से रिलेटेड है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और भैया आप लोगों के लिए लगातार हमारी टीम क्वेश्चन ला रही है, पूरी एनालिसिस कर रही है, तो सेशन को दबाकर शेयर करो, मतलब यहाँ पर अच्छी खासी संख्या दिखना चाहिए हमको, आपकी पावर दिखना चाहिए, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उससे थोड़ी सी मेहनत तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पूरी टीम आपको बताने में लगी किस तरीके का पेपर आया, क्या क्वेश्चन और आगे आपको क्या पढ़ना है, ठीक है।
तो बढ़िया तरीके से लाइक एंड शेयर करें। और ये मैंने आपको बता दिए जीके जीएस के क्वेश्चन। तो अब आपके सामने यहाँ पर मैम आ रही है और मैम आपको जो है वो इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाली है कि आज के शिफ्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आए, क्या कुछ जो है वो आपको और पढ़ना है, वो सारी चीजें आपको अब बताएंगी यहाँ पर किरण मैम। और बढ़िया दबाकर शेयर कर दो सेशन को भी, अच्छी खासी संख्या होना चाहिए। तो मैम आ चुकी है, वो आपको बताएंगी क्वेश्चन, चलेगा। तो ये आपके जीके जीएस के सारे क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए। Yes guys, फिर से एक बार फटाफट से सेशन को कर देंगे शेयर ताकि और बच्चों के पास भी सेशन का लिंक जा सके, वो भी सेशन को देख पाए, है ना, वो भी देख पाए कि हमने कितना एग्जाम अटेम्प्ट किया और कितने क्वेश्चंस हमारे उसमें से करेक्ट हुए। क्विकली कर देंगे सेशन को शेयर, फटाफट से आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पर। एंड जो हमारे इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो थे हमारे 45 के बाद, है ना, दैट मींस 46 से यहां से अपना इंग्लिश का पेपर यहां से स्टार्ट हो जाता है। और आ जाइए फटाफट से, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 थोड़ा सा और ज़ूम कर लेते हैं, है ना, अच्छे से दिख जाए आपको क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या था कि जो मेजर थ्रेट है टाइगर पॉपुलेशन को वो क्या है, जो मेजर थ्रेट है टाइगर पॉपुलेशन को वो क्या है। और अगर ध्यान से इसको देखा गया हो तो जो मेजर थ्रेट था वो यहाँ कहीं लिखा हुआ था, मेजर थ्रेट क्या क्या लिखे हैं टाइगर पॉपुलेशन में, है ना, बहुत सारे हैं, जिसमें से पोचिंग फॉर ट्रेड एक ऑप्शन था जो हमारे एग्जाम्पल में, है ना, जो हमारे ऑप्शन में ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन और लिखे हुए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स और लिखे हुए थे, बट जो ऑप्शन हमारे पास गिवन है उसमें से हमारा क्या जा रहा है, ऑप्शन 3 जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 47 में क्या लिखा है, 47 में लिखा है कि भाई स्किन और बोन्स का कहां पर यूज होता है, तो स्किन और बोन्स का कहां पर यूज होता है, ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में। ऑप्शन देखिएगा, पैराग्राफ में लिखा है कि मेडिसिन बनाने में इसका यूज किया जाता है। 48 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, 48 कह रहा है कि भाई लीगल का एंटोनिम क्या होगा, तो लीगल का एंटोनिम होता है इलीगल, लीगल का एंटोनिम क्या होता है इलीगल, दैट मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री इलीगल, लीगल का ऑपोजिट इलीगल, एंटोनिम क्या होता है ऑपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 49, यहां पर आपसे पूछा है सिनोनिम, दैट मीन्स सिमिलर टू द वर्ड कितना ही करोगे, ज्यादा नहीं होगा, पिक्चर बढ़ रहे पिक्चर के, यस यहाँ पर आपका जो वर्ड पूछा गया जिसका हमें सिनोनिम, यस जूम कर दो, कर दिया बच्चे, है ना, क्या पूछा है, सिमिलर पूछा है प्रोसेक का, प्रोसेक का सिनोनिम क्या होता है, अनइंस्पायरिंग, जिस चीज से आप इंस्पायर नहीं हो पा रहे हैं, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50, द हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, अगर कोई इंसान अपनी जीवन के बारे में खुद लिखता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है बच्चे, यहाँ पर हमें बताना था कि यहाँ पर जो ये अंडरलाइन आपका फ्रेज था, अंडरलाइन ईडियम थी, इसका मीनिंग क्या है, अ हेयर ब्रीथ, इसका मतलब क्या होता है, किसी इंसान को बच के भाग जाना, इसको हम कहते हैं जैसे पतली गली से भाग जाना, क्या कहते हैं, पतली गली से भाग जाना, और पतली गली से हम क्या कहेंगे, नैरो एस्केप मींस, है ना, मुसीबत से भाग जाना, छोटा रास्ता ढूंढना, शॉर्टकट ढूंढना, ठीक है। आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 52, और 52 में आपको बताना है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर क्या है, प्रिटेंशियस की सही स्पेलिंग क्या होती है, आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा है कि स्पेलिंग यहाँ पर सही क्या है, तो सही स्पेलिंग क्या है बच्चे, PRETEN, है ना, प्रिटेंड करने के लिए आप PRETEN का यूज करते हैं, और ऐसा एक ही ऑप्शन था जिसके साथ हम जा सकते थे, दैट इज ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट देखें, यस जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 बच्चे, यहाँ पर हमें क्या करना था, यहाँ पर हमें फिर से करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी, द वर्ड इज थिसोरस, थिसोरस का मतलब होता है वोकैबुलरी, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, और थिसोरस की सही स्पेलिंग में THE आता है, THESARAUS, दैट मीन्स सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं,
जी क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है बेस्ट एक्सप्रेसेस ऑफ व्हाट एक्टिव टू पैसिव। हमारे पास जो स्टेटमेंट है इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। स्टेटमेंट है इट इज बीइंग रेड बाय अस। जब भी हम बीइंग का यूज करते हैं तो कंटीन्यूअस टेंस होता है, और अगर हम कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे, कंटीन्यूअस टेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनाते हैं। बीइंग कहाँ यूज होता है, कंटिन्यूस बनाने में, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखा है, आपका ऑप्शन नंबर वन। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है बच्चे, रीअरेंज करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे रीअरेंज करना है। और जब रीअरेंज करते हैं तो ध्यान में रखते हैं कि जब भी कभी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं उनको आप ठीक से अरेंज करें। इस क्वेश्चन का सही रीअरेंजमेंट क्या होने वाला है बेटा, ऑप्शन नंबर टू। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, लिखा है द ओनली विक्ट्रीज, जो जीती, जो जीत है हमारी, विच लीव नो रिग्रेट, जिनसे हमें कोई दुख नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आर दोज, वो वे हैं विच आर गेन्ड ओवर इग्नोरेंस, जिस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया, वो जीत जो होती है वो हमेशा याद रखी जाती है। राइट, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 56 में हमें बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है ना, यहां पर हमें बताना है किस पार्ट में एरर है। और सेंटेंस क्या लिखा है, द साइंटिस्ट, क्या लिखा है, द साइंटिस्ट वॉज सीन टू बी, साइंटिस्ट को देखा गया कि वो एक्साइटेड था ओवर द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। ये सेंटेंस कैसा है, जैसे हम कहते हैं इट सीम्स गुड, है ना, ही सीम्स हैप्पी, ही सीम्स सैड। आप क्या कर रहे हैं वहां पर, किसी के बिहेवियर की बात करें, सेंटेंस कैसा होता है, एक्टिव होता है। कैसा होता है बच्चे, सेंटेंस एक्टिव होता है। और जब सेंटेंस एक्टिव होता है तो क्या हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, पास्ट इंडेफिनिट में, नहीं, तो हम इसे बनाएंगे सिंपल पास्ट। यहाँ होना चाहिए था द साइंटिस्ट सीम टू बी एक्साइटेड, उसे ऐसा, मतलब सीम टू बी एक्साइटेड, वह ऐसा दिखाई दे रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर है 57, और 57 में क्या लिखा है, विच वन ऑफ दीज, आपको बताना है इनडायरेक्ट कौन सा होगा। सेंटेंस क्या लिखा है, ही सेड टू और थ्री इज फाइव। बच्चे ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है कि दो और तीन मिला के पांच होते हैं। इसका मतलब हमें इस देश को कन्वर्ट नहीं करना है किसी भी सेंटेंस के किसी भी टेंस में। ये क्या रहेगा, इसका इज रहेगा। और ऐसा ऑप्शन जहां पे ये एज इट इज लिखा हुआ था, दैट वाज ऑप्शन नंबर टू। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, यहां पर हमें बताना है करेक्ट प्रेपोजिशन। आप सभी जानते हैं कि प्रोहिबिट के साथ, एब्स्टेन के साथ, रेफ्रेन के साथ, स्टॉप के साथ क्या आता है, हमेशा क्या आता है, हमेशा क्या आता है, फ्रॉम आता है। इन सभी के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर वन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन 59 कह रहा है कि हमें इस पार्ट को क्या करना है, रिप्लेस करना है। अगर कोई ग्रामेटिकल एरर है तो इस पार्ट को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। पहले देख लेते हैं क्या इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है या नहीं है। क्या लिखा है, शी शोड करेज इन एडवोकेटिंग पॉलिसी विच वर नॉट कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी देन। देखिए बच्चे क्या होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए एडवर्ब, ये होना चाहिए आपका एडजेक्टिव। मींस यहाँ क्या हो जाएगा, विच इज नॉट कॉमनली एक्सेप्टेबल, क्या हो जाएगा, विच इज नॉट कॉमनली एक्सेप्टेबल देन, जो उस वक्त कॉमनली एक्सेप्टेबल नहीं था। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर। ऑप्शन नंबर फोर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, है ना, इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, लिखा है He was advised, उसे एडवाइस किया गया था कि वो ना करे, अटेंड ना करे द सेमिनार विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन के ना करे वो, क्या, अटेंड ना करे। सेंटेंस कैसा है आपका, इनडायरेक्ट स्पीच से पूछा गया क्वेश्चन। और आप सभी जानते हैं अगर नेगेटिव बनाना होता है तो नॉट टू होता है, क्या होता है, नॉट टू होता है, तो आपका जो वर्ब है वो क्या हो जाएगा, नॉट टू अटेंड हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जहां नॉट टू अटेंड लिखा है, दैट इज ऑप्शन नंबर वन। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर वन। ठीक है, तो यहां तक आपका इंग्लिश का सेक्शन था, टोटल 15 क्वेश्चंस थे। और इसके साथ में आपके नेक्स्ट टीचर को
है ना। नेक्स्ट सब्जेक्ट के टीचर को बुलाना चाहूंगी जो आपके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और आपको बताएंगे सही आंसर्स, क्वेश्चंस के सही आंसर्स, राइट। तो पूजा मैम आ चुकी है, आपकी फेवरेट, आपके चैनल की क्वीन है ना, और उनके साथ हम करेंगे सेशन को कंटिन्यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो बताओ भाई कैसा हुआ तुम्हारा पेपर, और सुबह इतनी ज्यादा एनर्जी थी, शाम तक क्या हो गया? कह रहे सारी एनर्जी रोडवेज में यात्रा करके खत्म होगी। तो एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जितने बच्चों का आज पेपर था उतने ही बच्चों का कल भी होगा, तो वो सभी बच्चे सेशन को देखिए। कुछ यात्रा कर रहे होंगे, जा रहे होंगे अपने सेंटर पे, लेकिन बने रहिए। तो मॉर्निंग वाले शिफ्ट के आधार पर और इस वाले के आधार पर आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। तो आज देखा भाई एकदम तो बढ़िया सा पेपर हम देख लेते हैं हरियाणा जी के, कहां से यहां पर आपके हरियाणा जी के। तो जब हम पढ़ते हैं आपका एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री हरियाणा के लिए, तो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, कई बार आपने पढ़ा भी होगा कि जो आपका ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा है वो किसे कहा जाता है, हरियाणा का काला सोना किसे कहा जाता है, बताइए। तो आप सभी जानते हैं, आप सबके घर में होगी भी, ठीक है। मुर्रम भैंस है आपकी, जिसे आप क्या कहते हो बच्चे, आप हरियाणा का काला सोना कहते हो, लिख लीजिए, ठीक है भाई। क्या कहेंगे आप सभी, हरियाणा का काला सोना आप मुर्रा भैंस को कहेंगे, लिखेंगे। अब हो सकता है कि आपके एग्जाम में और भी इससे कुछ क्वेश्चन पूछ ले, जैसे किसे और क्या कहते हैं, आप सभी इसे खुंडी भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एशियन ट्रैक्टर के नाम से भी जाना जाता है इसको, है ना, एशियन ट्रैक्टर भी तुम कहते हो, याद रखना। और एक भैंस है जिसका नाम है रेशमा, रेशमा ने क्या किया था, रेशमा ने सबसे अधिक दूध देकर के रिकॉर्ड बनाया है, याद रखिएगा। तो रेशमा भी आ सकती है पेपर में, रेशमा का नाम भी याद रखोगे, ठीक है। भैंसे सबसे अधिक किस जिले में है ये आप बता दीजिए, तो आप कहेंगे कि मैम पशुधन की बात करेंगे तो आपके हिसार जिले में है। और मुर्रा भैंस सबसे अधिक किस जिले में आपको मिलेगी, तो सारे बच्चे फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। और मैंने आपको कई बार जब भी आपका सेशन लिया है, मैंने आपको कई बार कराया कि हरियाणा में जो पद्मश्री पुरस्कार है वो कुल आपके कितने लोगों को दिया गया था, अभी 2022 के पर बात करें 5 लोगों को दिया गया, जिसमें 2 आपके प्लेयर शामिल हैं, प्लेयर यानी कि खिलाड़ी। खिलाड़ी कौन कौन है आपके, तो सुमित अंतिल जी थे आपके खिलाड़ी, और एक थे आपके नीरज भैया, मतलब नीरज चोपड़ा जी। उनके अलावा 3 व्यक्ति और इसमें शामिल थे। तो आपसे ये पूछा गया है कि बताइए आपका जो साइंस एंड इंजीनियरिंग वाली फील्ड है उसके लिए किस व्यक्ति को दिया गया है, तो क्या कहेंगे बच्चे आप सभी यहाँ पर कि किस व्यक्ति को आपके साइंस एंड इंजीनियरिंग वाली फील्ड में दिया गया है, बताइए। तो लिख लेंगे आप सभी यहाँ पर मोतीलाल मदान जी को। अगर आपसे पूछेगा सोशल यानी कि आपके सामाजिक मुद्दों के लिए, तो ओम प्रकाश गांधी जी आ जाएंगे यहाँ पर, आंसर आएगा आपका मोतीलाल मदान जी। लिटरेचर में आपके रघुवेंद्र तंवर जी का नाम आ जाएगा, मैंने कई बार आपको कराया, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बाकी रात वाले क्लास में आइएगा, उसमें भी आपको कराएंगे अच्छे से, जो भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन पाएंगे। हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो 2 नए पुरस्कार भी है आपके, सुषमा स्वराज पुरस्कार, दर्शनलाल जैन पुरस्कार, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। सुषमा स्वराज पुरस्कार महिलाओं के लिए होगा, दर्शनलाल जैन पुरस्कार पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, और ये जो पुरस्कार है आपका खेल में दिया जाता है। खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है आपका, भीम पुरस्कार। हरियाणा राज्य का हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड कौन सा है आपका, भीम पुरस्कार है, याद रखिए। सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे फटाफट से, सभी एक बार फटाफट से मिल करके सेशन को शेयर कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा बच्चों आपका, खेल पुरस्कार, बिल्कुल सही उत्तर आएगा। 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले कुश्तीबाज कौन थे, जब भी एक क्वेश्चन आपको कराया है तो एक पहचान आपको बताई है कि इनका संबंध उसी जिले से है जिससे आपकी पूजा मैम, तो आप बताइए कौन आपके। तो आप सभी जानते हैं चरखी दादरी जिले के आपके खिलाड़ी आ जाएंगे, लीला राम सांगवान जी, लिख लीजिएगा लीला राम सांगवान जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिखेंगे आप सभी यहाँ पर, जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये सारे के सारे पीवाईक्यू भरे हुए, सबका सब पीवाईक्यू है। मैंने इतनी बार बोला कि एनटी अगर पेपर सच में बना रही है तो वो क्या करेगी, पीवाईक्यू उठाएगी, थोड़ा करंट अफेयर डालेगी। तुमने मेरी बात सुनी होगी तो अच्छी बात है, नहीं सुनी होगी तो तुम देख रहे होंगे। पूछा आपसे रोहतक का सोरी बाजार, जब भी हम रोहतक के बारे में पढ़ते तो सोरी मार्केट का नाम तो आता ही आता है, ये तो आपका डेली वाला है, मतलब ऐसे ही चलते फिरते बच्चे बता देंगे सोरी मार्केट कहाँ रोहतक में, किस लिए, कपड़ा टेक्सटाइल मार्केट है आपकी, याद रखिएगा ए जो होगा राइट आंसर। रोहतक आपका एजुकेशन हब भी है, याद रखिएगा।
है ना, एजुकेशन हब भी है आपका रोहतक, कबीरदास जी की जयंती भी आपके रोहतक में मनाई गई थी हाल ही में, पूछ सकता है आपसे, याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर है बच्चों आपका, रोहतक बिल्कुल सही उत्तर है, लिख लीजिए आप सभी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर देखेंगे आप सभी, हरियाणा में होम रूल आंदोलन का जो प्रचार है उसका श्रेय किसे जाता है बताइए। हरियाणा में होम रूल के प्रचार प्रसार का श्रेय किस व्यक्ति को जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर, ठीक है भाई, नेकी राम शर्मा जी को, लिख लीजिएगा नेकी राम शर्मा जी जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, लिखेंगे आप सभी। हासी में स्थित पृथ्वीराज चौहान जी के द्वारा बनाए गए आसीगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ है, परसों 4 तारीख कब थी, कल 3 तारीख को जो मैराथन हुई थी आपकी, उसमें आपको ये क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद हो, और बताया भी था कि 12वीं सदी। मैं इस क्वेश्चन के बारे में कह सकता हूं। और मैं एक बात और बोल देती हूँ कि पृथ्वीराज चौहान जी, हर्षवर्धन जी को पूरा पढ़ के जाना, तुम्हें पता है कि वो फेवरेट टॉपिक होते हैं और हर बार पेपर में आते हैं। मैम ये सवाल के बारे में कह सकता हूँ, मैंने रेंडमली आपकी क्लास खोली थी और ऐसे कुछ सवाल मुझे देखने को मिला था। तो बच्चों देखिए, सभी लोग फटाफट शेयर कर देंगे, अभी 1350 बच्चे देख रहे हैं, एक बार सभी साथी शेयर करेंगे ताकि ये बच्चों की जो तादाद हमारी 2000 कम से कम होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि बच्चों आज आपका पेपर खत्म हो गया, कल भी आप लोगों का पेपर है, एनालिसिस देखने के बाद आपको एटलीस्ट ये आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर कैसा आ रहा है। तो सभी साथी एक बार फटाफट से शेयर कर देंगे इस वीडियो को और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि एग्जामपुर ने जो पढ़ाया वही पेपर में आया बच्चों। तो चलिए मैम कैरी करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर पूछा था कि महेंद्रगढ़ जिले का प्राचीन नाम क्या है, 3 तारीख की क्लास में देखो सारे जिलों के प्राचीन नाम कराए थे, बताया था कि पक्का आएगा पेपर में। तो महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या आ जाएगा, कन्नौड आ जाएगा। सत्यमेवपुरम किसका नाम है आपके, मेवात का नाम है, मेवात का नाम है क्या, नू है आपका, आप सभी जानते हैं। सरिस्का किसे कहते हैं आप सभी, सिरसा जिला है आपका। कपिस्थल कौन सा जिला है, कैथल है आपका। तो ये सारे के सारे पढ़ के जाना, सफेदों का सर्प दमन, पानीपत का पाणप्रस्थ, सोनीपत का स्वर्णप्रस्थ, बहादुरगढ़ का सरफाबाद, गुड़गांव का गुरुग्राम, मतलब गुरुग्राम का गुड़गांव, ठीक है। ये सारे उसका गोहाना का आता है, गमन गोहाना, ठीक है। आपका जो है पलवल का अपलवा, ये सारे के सारे नाम आप सभी पढ़ के जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा। और हाँ मैंने एक और चीज कराई थी कि इनके नाम किसने रखे हैं, मतलब किस व्यक्ति के द्वारा रखे गए हैं, उन व्यक्तियों के नाम भी देख लीजिएगा आप सभी। और यहाँ पर पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था आपके हरियाणा में पलवल रेलवे स्टेशन से, तो ये पूछा गया कब आपका अरेस्ट किया गया था, गिरफ्तारी कब हुई थी, तो लिख लीजिएगा 10 अप्रैल 1919 में हुई थी, लिखेंगे आप सभी। सी जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आएगा, लिखेगा। नेक्स्ट है आपका पूछा है आपसे कि हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था बताइए। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग के गठन की बात की गई है, राज्य वित्त आयोग है ये आपका, राष्ट्रीय वित्त आयोग नहीं है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर है ये आपका 88 और यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए 1994, तो कंफर्म है 31 मई आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसको रात 8 बजे वाली क्लास में भी एक बार अच्छे से डिस्कस करेंगे दोबारा से। 31 मई 1994 आपका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में ये लिखा कि 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पर 1919 लिखना चाहिए था, ऑप्शन में चेंज होना चाहिए था, ठीक है। तो इसको भी हम अभी नहीं करेंगे। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती है, पता नहीं कितनी बार आपको बताया कि यहाँ पर 3 जिले उत्तर पूर्वी हरियाणा में, उत्तर पूर्वी हरियाणा में जहां पर बारिश अधिक होती है, अंबाला जिले में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा भी गया है आपका। 3 जिले आते हैं आपका पे, याद रखिएगा, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, ठीक है। तो 3 जिलों में आपको शिवालिक की पहाड़ियां मिलेंगी, सिरसा में नहीं मिलेंगी। तो सिरसा क्या है बच्चे आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखिएगा। कौन सा सही है भाई, सिरसा जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आपसे पूछ सकता है बताइए अरावली का विस्तार कहाँ पर है, ठीक है, और वो जो मावट वर्षा, ठीक है, वो सारी की सारी आपको पढ़ के जानी है, याद रखिएगा। आपसे पूछा गया है बताइए यहाँ पर कि हरियाणा के हरियाणा डैश के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है, पिछले 5 दिन पहले, यह हो सकता है 3 तारीख को ही ये क्वेश्चन भी आपको कराया था और आपको बताया था कि हरियाणा जो है कर्क रेखा के, है ना। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा बच्चे आपका, कर्क रेखा जो होगा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। लीजिए फिर से वही क्वेश्चन आएगा कि बताइए गेटवे ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं आप सभी, ठीक है भाई। किस जिले, किस स्थान को हरियाणा का गेटवे कहा जाता है, देखिए उत्तर भारत का गेटवे आपका हरियाणा है, उत्तर भारत का गेटवे आपका हरियाणा है, याद रखिएगा। लेकिन हरियाणा का गेटवे आप किसे कहेंगे, प्रवेश द्वार आप किसे कहेंगे, बहादुरगढ़ को कहेंगे,
तो बहादुरगढ़ का किला आपका आ जाएगा, लिख लीजिएगा, नोट करेंगे आप सभी यहाँ पर, ठीक है। तो बहादुरगढ़ किस जिले में आता है, आपके झज्जर जिले में आता है। झज्जर जिले में हरियाणा का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है जहाजगढ़ में, आप सभी जानते हैं। झज्जर में जो है बच्चे आपका बाढ़ सामे कैंसर संस्थान, पूछ सकता है पेपर में, याद रखिएगा कि कैंसर संस्थान कहां पर, तो आपको पता होना चाहिए, लिखेंगे आप सभी, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, बताइएगा हरियाणा राज्य में शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई, 1979 में हुई, इसको भी आप सभी याद रखेंगे। हरियाणा का राज्य पशु क्या है, तो आप सभी जानते भी राज्य पशु पक्षी, ठीक है, फल, ये सारे के सारे आपको पढ़ के जाने होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, काला हिरण आ जाएगा, पक्षी होता काला, तितर आ जाता, फल होता आम आ जाता, वृक्ष होता पीपल आ जाता आपका। तो ये सारे के सारे आप अच्छे से याद रखिएगा। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती सुगर मिल आपको मिलेगी, रोहतक, पानीपत, यमुनानगर, फरीदाबाद। तो आप सभी जानते हैं यमुनानगर में आपकी सरस्वती सुगर मिल है बच्चों। कितने इजी क्वेश्चन है आप देख सकते हो ना, कितने इजी इजी क्वेश्चन हरियाणा जी के। अगर 25 क्वेश्चन आए तो 20 इजी है, 5 आपके अच्छे क्वेश्चन दिए कि अगर पढ़ने वाला बच्चा तो कर पाएगा। ये वो बच्चे हैं जो क्लास में फालतू कमेंट भी करते हैं, पढ़ भी जाते हैं, वो भी कर देंगे इन क्वेश्चन को जो इजी इजी क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या है आपका, यमुनानगर आंसर आ जाएगा। पहली प्रदूषण रहित सुगर मिल अगर आपसे पूछेगा कहां पर, तो याद रखिएगा आपके पानीपत जिले में बनेगी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, बताइए आपका आंसर दीजिए सभी बच्चे, कि हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पुलिस क्षेत्र में व्यय के लिए निर्धारित किया गया है। इस प्रकार के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, अभी रात 8 बजे आपकी क्लासेस में अपन करने वाले, तो आप लोग आइएगा। यहाँ पर आंसर है आपका 4.6%, याद रखिएगा। हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2020-21 तक कितनी हो गई है, 1805 यूनिट हो गई है लगभग, तो 1805.45 दिया तो उसे आप सही करोगे, तो बी जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, लिख लीजिए, ठीक है भी? देख लेना किसके सही हुए कितने सही हुए, क्योंकि इसके बाद दूसरा पेपर भी होगा, है ना, दूसरा पेपर भी होगा, तो उस पेपर की भी तैयारी करनी कि नहीं करनी, बिल्कुल करनी है। बताइए डीबीटी योजना, ठीक है, डीबीटी की फुल फॉर्म पूछ सकता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना कब शुरू हुई थी, पूरे भारत में हो गई थी 2013 में, और इसके लिए एक सेल बनाया गया था आपके हरियाणा में, ठीक है भी, 2016 में इसके लिए एक सेल का गठन किया गया था 2016 में। योजना जो आपकी स्कीम है इंप्लीमेंट हुई थी 2013 में, याद रखिए। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, आप सभी जानते हैं गुरुग्राम की जो साक्षरता दर है वो आपकी अधिक है, और सबसे कम कहाँ की है, मैं चाहती हूँ आप लोग कमेंट कीजिएगा। ओवरऑल जो आपकी साक्षरता दर है वो किस जिले की सबसे कम है, उत्तर दीजिए। मैं आपको 2011 की सेंसस का डाटा भी करा दूंगी रात वाली क्लास में, आप आ जाइएगा, ठीक है। 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में शुरू की गई BBY योजना का विस्तृत रूप क्या है, तो ये है आपकी भावांतर भरपाई योजना, ठीक है भाई। क्या है आपकी भावांतर भरपाई योजना, याद रखिएगा। इसके साथ साथ ये जो योजना है आपकी, ये कौन सी योजना है, ये भी पूछ लेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसने लॉन्च की थी, कब लॉन्च की थी, सारा का सारा आपका आ जाएगा, तो ये भी आपका होना चाहिए, कुछ छूटा तो नहीं है, ये देख लीजिए। मेरे हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चन आपने कर लिए है ना, एक बार मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ कुछ छूट तो नहीं गया। ये देखिए हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है, मैंने कितनी बार कराया आप लोगों को, हरियाणा का ताजमहल, उत्तर भारत का नंदन वन, है ना, उत्तर भारत का नंदन वन कहा जाता है, और एक आता है पेपर में उत्तर भारत का खजुराहो किसे कहते हैं। ये तीन क्वेश्चन आते हैं ऐसे जो आपके इंपोर्टेंट प्लेस से आते हैं, याद रखिए। हरियाणा का ताजमहल आप किसे कहेंगे, शेख चिली का मकबरा कहां पर है आपके, थानेसर कुरुक्षेत्र में, थानेसर में है, याद रखिएगा। उत्तर भारत का नंदनवन कहां पर है, पिंजोर गार्डन, यादवेंद्र गार्डन भी जिसे आप लोग कहते हैं, यदुवेंद्र गार्डन कहते हैं आप सभी, ठीक है, याद रखिएगा। मुगल गार्डन भी कहते हैं जहां पर आमों का मेला लगता है, याद रखेंगे। ये कहां पर, पिंजोर में ही, इसे कहते हैं उत्तर भारत का नंदनवन। खजुराहो कहते हैं आप सभी भीमा देवी मंदिर को, जो कि आपके कहां पर है, ये भी आपके पंचकुला में पड़ता है, इसे कहा जाता है उत्तर भारत का खजुराहो। तो हो सकता है आने वाली शिफ्ट में ये आपसे पूछ ले, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसे क्या कहा जाता है, ठीक है भाई, याद रखिएगा। इंपोर्टेंट है सारी की सारी चीजें जो भी आपको बताई जा रही है। यहां पर पूछा गया है, बताइएगा इनमें से किस लोक नृत्य का निष्पादन पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है। तो देखो जरा, डफ नृत्य में पुरुष होंगे, बिल्कुल होंगे, डमरू मैंने बताया तुम्हें, डमरू किसके हाथ में, देखते हो शिव जी के हाथ में, है ना, तो बिल्कुल यहां पर भी पुरुष होंगे,
ठीक है चौपाइया, तो ये आपके नृत्य में हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लूर है आपका, अगर हम लूर की बात करते हैं, लूर का मतलब होता है लड़की, और ये सिर्फ लड़कियों के द्वारा किया जाता है जिसमें प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। अगर आपको याद हो बांगड़ क्षेत्र में किया जाता है, प्रश्न उत्तर किए जाते हैं, याद रखिएगा, लिखेंगे आप सभी लूर जो होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन में, तो लूर कर लीजिएगा। हरियाणा का सबसे पुराना डांस कौन सा है आपका? धमाल है, महाभारत के समय का डांस है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और एक है आपका यहाँ पर पंडित लक्ष्मी चंद जी का जन्म जो है किस गांव में हुआ था? अभी जो आपके 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए उसमें हरियाणवी भाषा की सबसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार पंडित लक्ष्मी करके मूवी बनी थी इनके जीवन पर, उसी को मिला है, याद रखिएगा। और इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि इसमें जो अभिनेता है वो अभिनेता की भूमिका किसने निभाई? आपके यशपाल शर्मा जी ने, ठीक है, यशपाल शर्मा जी ने, ठीक है। तो पंडित लक्ष्मी चंद जी का संबंध कहां से आ जाएगा आपका? जाटी से आ जाएगा, जाटी कला, लिख लीजिए सी होगा आपका राइट आंसर। हरियाणा के सूर्य कवि भी कहलाते हैं पंडित लक्ष्मी चंद जी, ठीक है बच्चों बताइए। तो ये वाले क्वेश्चन अपने हो गए यहाँ पर, अब तुम्हारा ये, ठीक है। अभी जो है आपका नेक्स्ट पार्ट सर कराएंगे, आप लोग रात को 8 बजे जितना आपका हरियाणा जी के आया, जो आपको दिक्कत होगी एक आपका उससे इकोनॉमिक सर्वे से एक क्वेश्चन है, और एक बजट से है, और एक जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर आए हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट की या यूनिवर्सिटी की स्थापना, उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो वो सारे क्वेश्चन और थोड़ा सा आपका ये जो डांस है कहीं पे आभूषण पूछ लिया, तो कल क्या पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि कल भी यही आएगा, तो वो सारी जो चीजें आपको रात 8 बजे हम करने वाले हैं, तो आप सभी रात 8 बजे भी जरूर आइएगा। अब सर आपको कराएंगे नेक्स्ट पार्ट। चलो थैंक यू मैम। और आप लोगों ने देखा होगा कि हरियाणा जीके का मैम ने सॉल्यूशन कराया, और बच्चा जो मैराथन क्लास में मैम ने करवाया था वही आपके पेपर में आया था। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पर मैथ्स का सेक्शन, देखेंगे कि मैथ्स का पेपर कैसे आया। अगर बच्चा मुझसे पूछोगे कि मैथ्स का सेक्शन कैसे आया, तो बच्चा मैं एक ही बात बोलूंगा कि बहुत ही हलवा पेपर आया मैथ्स का, ठीक है भाई। मैथ्स का पेपर बहुत ही आसान आया है मेरे भाई। अब देखेंगे यहाँ पर मैथ्स का पेपर की यहाँ से शुरू करते हैं, एक एक सवालों के साथ में हम शुरू करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा सभी साथी, पहले सवाल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल देखिए ध्यान से बच्चा, एक सवाल पूछा हुआ है, लिखा हुआ है आपके पास में 0 पॉइंट आपका, देखिए बच्चों लिखा हुआ 1/3 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, इसको नहीं दिख रहा होगा कॉपी में नोट कर लेना, 3 पॉइंट आपका 718 बराबर दिख रखा पॉइंट में 2689। अब ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर बोला है पहले 3 के बाद डेसिमल यहाँ था, उसके बाद आपका डेसिमल 1, 2, 3, 4, तो 4 पॉइंट आपका शिफ्ट हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप सभी साथी क्या करेंगे, यहाँ पर आप 4 पॉइंट इधर की तरफ जाएंगे, तो यानी आपका 1, 2, 3, 4, तो हमारे पास क्या जाएगा 2689 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा के चले आना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 2689 इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान सवाल आपके पेपर में पूछा गया है, बहुत ही आसान सवाल पेपर में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 32, सीधा m का वैल्यू दे रखा, n का वैल्यू दे रखा, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना। m का मान -4 रखेंगे तो बेटा आ जाएगा कितना, -64 आ जाएगा। एम स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ, तो 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 16 × 3 हो जाएगा 48 बच्चा, प्लस आपके पास है 3m है, m का मान नेगेटिव है, तो आ जाएगा कितना -12 हो जाएगा ये, फिर आपका प्लस का 3n है, n का मान -2 है, अगेन हमारे पास -6 हो जाएगा, और प्लस आपका n की वैल्यू -2 है, स्क्वायर करेंगे 4 × 3 = 12 हो जाएगा, प्लस आपका n का क्यूब यानी हो जाएगा -8। मेरे भाई देखो जरा, प्लस माइनस का ये खत्म हो जाएगा और माइनस माइनस सारे जुड़ जाएंगे, तो ये हमारे पास बच्चा क्या जाएगा, इसको जोड़ेंगे 64 और 6 कितना हो जाएगा -70 हो जाएगा, -56 बेटा -126 आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो -126 आपके प्रश्न का सही जवाब था। बताइए सभी बच्चे जिनका पेपर था, क्या आप ये लगा के आए थे कि नहीं, अगर लगा के आए थे मेरे भाई तो रैपचिक आंसर था, बिल्कुल खतरनाक। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन आपके पास है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2 प्राइम नंबर आपके पास है एक्स और वाई, ठीक है, उनका दे रखा है आपको एलसीएम दे रखा है, इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं दे रखा था, एलसीएम आपको दे रखा है 161, इनका एलसीएम दे रखा 161 है, बताना ये है आपका कि 3y - x का मान क्या आएगा, 161 बेटा है ना, जो 161 आपके पास दिख रहा 161 दिख रहा है। अगर मैं इसकी बात करता हूं सबसे पहले, तो बच्चों 161 आपका क्या होता है, सिर्फ 4 नंबर से डिविजिबल होता है, एक तो हमारा 1 हो जाएगा, 1 7 हो जाएगा आपका, 1 23 हो जाएगा, और 161 हो गया आपका, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, अब देखिए अगर मैं बात करूंगा गुणनफल का, x आपका y से बड़ा है, ठीक है, तो x बराबर अगर मैं यहाँ पे 23 ले लेता हूँ, और y बराबर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, तो y बराबर अगर मैंने ले लिया 7, तो 23 × 7 हमारे पास ये हो जाएगा,
क्लियर। अब देखो यहां पर क्या है, क्योंकि एक हमारी क्या अभाज्य संख्या होती है, क्या एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो इसको हटाओ। तो 7 और 23 का कॉम्बिनेशन बनेगा, वाई का मान 7 रखेंगे यहां पर, तो हमारे पास आएगा 21 माइनस का 23, आंसर कितना आएगा बच्चा, माइनस का 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए था, खत्म। क्लियर है? तो ये काफी आसान सवाल था, उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा सभी बच्चों को समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ये आपका 33 नंबर हो गया, आ जाओ 34 नंबर पे। 34 नंबर देखेंगे, घंटी बजने का सवाल है मेरे भाई, सिंपल तरीका ध्यान से सुनना। ये आपका पहले शिफ्ट में भी आया था, दूसरे शिफ्ट में भी आया था, तो कल के दोनों शिफ्ट में भी 99% चांसेस आने के। अब देखो ये घंटी वाला सवाल होगा, बोला है 30 मिनट में कितना 6 घंटियां एक साथ कितनी बार बजेंगी। डायरेक्ट आप एन का मान निकालोगे कैसे, आपके पास टोटल मिनट कितना है 30 है, सीधे क्या करेंगे आप लोग, देखो ध्यान से बच्चों, 4 का 6 का 8 का 10 का 12 का और 2 का, आप क्या करेंगे इनका एलसीएम निकाल लेंगे, आप इनका एलसीएम निकाल लेंगे। अब आपको पता है कि 2 4 6 8 10 और 12 का एलसीएम बात करेंगे 120 आ जाएगा, 120 सेकंड हमारे पास आएगा, 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट होता है, तो ये आपके पास आएगा कितना, 2 से भाग कर देंगे, 10 का मान कितना आ जाएगा 15, लेकिन जो लगाएगा गलत, ठीक है, जो लगाएगा गलत, तुम सोच रहे हो कि मास्टर ने गलत कर दिया है ना भाई, यहां पर बच्चों क्या करना पड़ता है, एक आपको जोड़ना पड़ेगा, आपका आंसर आएगा 16, क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आएगा। आप कहोगे सर एक क्यों जोड़ना पड़ता है, क्योंकि मेरे भाई जब घंटियां एक साथ में पहले बजी होंगी उसके बाद अंतराल पर बज रही है, तो पहली बार जो बजती है वो आप भूल जाते हो, उसको आपको जोड़ना पड़ेगा बस, आंसर कितना आएगा 16। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज्यादातर होंगे इसलिए मैं क्वेश्चन अभी हिंदी में लगा रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कहां गया, ये रहा, अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास लिखा हुआ, एक आयताकार फर्श की विमाएं आपको दे रखी है, 4 मीटर बढ़ाने पर अनुपात 4 और 3 का हो जाता है। मेरे भाई ऐसा सवाल आ जाए ऑप्शन से निपटा दो इसको, जैसे मान लो ऑप्शन में मानता हूं 12 और 8, अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो 16 आ जाएगा, 4 जोड़ूंगा तो 12 आ जाएगा, अनुपात कितना आ गया 4 और 3 का, पहला मामला सेट हो गया अपना। बोला गया 4 मीटर घटाने पर, 4 इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास आएगा कितना 8 हो जाएगा, और यहां पे 4 घटाएंगे तो 4 अनुपात कितना 2 और 1 हो गया। मेरे भाई ये भी क्या हो गया, मामला सेट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, खत्म। ठीक है, इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं रेशियो से निकाल सकता था बट कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन से लगा देते। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों क्या है, 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7 और 3 है। मेरे भाई मिल्क और वाटर का अनुपात आपको दे रखा 2 और 3 का अनुपात है, और आपको दे रखा कितना पानी मिलाया जाए, क्या मिलाना चाहते हो तुम बेटा, पानी, पानी डाला जाए, अनुपात आपका कितना हो जाए 2 और 1। मेरे भाई तो क्या डालना चाहता है ये बता, ये 7 है सॉरी, आप क्या डालना चाहते हो, पानी, पानी डालना चाहते हो, मिल्क की क्वांटिटी को बराबर करो, यहां 2 है ये 7 है, तो 2 से इसमें गुणा कर देना और 7 से इसमें गुणा कर देना, तो हमारे पास आएगा 14:6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14:7 हो जाएगा, ये कितना बढ़ गया, दूध आपका सेम रहेगा, वाटर आपका बढ़ गया 6 से 7, 1 यूनिट बढ़ गया, और 1 का मतलब आपको निकालना है, और 14 और 6 कितना हो गया 20 बराबर आपको दे रखा 80 लीटर, 20 का मतलब 80 है तो 1 का मतलब क्या होगा 4 लीटर, तो 4 आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जो आपको मिलाना ध्यान रखना, जैसे आप यहाँ पे पानी मिलाना चाहते हो तो मिल्क की क्वांटिटी को बराबर करो, ये 7 था ये 2 था, 7 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, 2 का यहाँ पे गुणा करेंगे बस। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 37 क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, लिखा गया एबीसी का औसत आपके पास एम है, और एबीसी और एबीबीसी सीए बराबर 0 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत बताओ क्या होगा। देखो ये भी बहुत आसान है, एबीसी का औसत एम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सभी बच्चों जानते हो एक फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है बच्चों, ये आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका सी स्क्वायर प्लस आपका 2 टाइम्स 2, 2 का मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। मेरे प्यारे साथी ये आपको दे रखा 0, इसका मतलब ये हो गया मामला 0, क्लियर है। आपको दे रखा एबीसी का औसत एम है, अगर मैं एबीसी का औसत देखूंगा तो औसत मतलब बराबर हो गया एम के, तो अगर मैं एबीसी का मान यहां से निकालूंगा तो बच्चा आएगा 3m, क्या जाएगा 3m, तो अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का मान 3m रख दूंगा तो क्या जाएगा 9m स्क्वायर, किसका मान आ जाएगा आपका, आपको बताना है 9m स्क्वायर किसका मान होगा, तो अब बताना क्या है आपको, इन तीनों का औसत यानी a स्क्वायर प्लस आपको b स्क्वायर प्लस आपको c स्क्वायर अपॉन में 3 का मान बताना है, ये 9m स्क्वायर किसका मान आएगा इतने का, अगर मैं इसको भी 3 से भाग कर दूंगा तो 3 से यहां भी भाग जाएगा, आंसर आ जाएगा 3m स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा, काफी आसान क्वेश्चन था ये, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 38 अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 मेरे भाई, ये तो देखो बहुत ही
तो 6 लेवल का सवाल था ये। कैसे देखो ध्यान से, ये सिंपल आपके पास में क्या, आपको इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, परिमेयकरण। आपके पास लिखा हुआ रूट टू माइनस वन, अकाउंट में लिखा हुआ रूट टू प्लस वन, आप क्या करोगे इसमें रूट टू माइनस वन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी रूट टू माइनस वन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आपके पास में क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक आएगा खत्म, यहाँ पे रूट है, रूट और दो खत्म, आंसर आएगा रूट टू माइनस वन। और रूट टू का मान दे रखा है आपको कितना 1.4142, इसमें से एक घटा देना आंसर आ जाएगा आपका पॉइंट में 4142 आपका आंसर है खत्म। ठीक है मेरे भाई, सोचो जरा इस लेवल का सवाल आया हुआ है, अगर 15 में 15 मैथ्स में नहीं करके आते हो बेटा बहुत शर्म की बात है ना। तो कल जो बच्चा जिनका पेपर है टेंशन मत लेना, पेपर आसान आ रहा है। आ जाओ 39 पे भाई, क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ फटाफट से, इसको भी निपटाते हैं, जरा टाइम एंड वर्क का सवाल है। देखिए आपको लिख रखा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, चलिए चलते हैं आपको 39। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, ए बी से 30% अधिक कुशल है, तो अगर हम बात करेंगे ए बी की तो इनकी कुशलता का अनुपात कितना है 30% का, मतलब बच्चा होता है 3/10, और 3/10 ज्यादा है, कौन ज्यादा है, ए ज्यादा है, इसका मतलब क्षमता का अनुपात 13/10 का है। बोला गया ए किसी काम को करने में 23 दिन लगता है, दोनों मिलके कितने में करेंगे, तो ए प्लस बी को लगने वाला समय, समय बराबर टोटल वर्क, टोटल वर्क आपका वही है जो ए आपका करता है 23 दिन में, यानी 13 की क्षमता से 23 दिन में करेगा। अब बोला गया दोनों मिलके, तो दोनों की क्षमता टोटल कितनी है 23 की है, अब इसको 23 से भाग लगा देना, 23 खत्म, आंसर कितना 13, तो 13 आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, खत्म। तो मेरे भाई देख रहे हो तुम, ऐसा पेपर में सवाल आया कि मात्र 10 से 12 सेकंड में सवाल हो जाए, और ये सवाल मैं आपके सामने सॉल्व करके नहीं आया, रेंडमली आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। अगला देखो यहाँ पे 39 के बाद आ जाओ 40 पे, 39 के बाद आ जाओ 40 पे, अगेन देखो मिक्सचर का एक सवाल बेटा आपके पेपर में आ रहा है, एक पहला सवाल बताया था, एक सवाल ये वाला सवाल लिख के ले लो, कल फिर आएगा आपके पेपर में, कल फिर आएगा देख लेना तुम, पहले दूसरे शिफ्ट में पेपर आ चुका है और ये देखना कल की शिफ्ट में भी आएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, 4 लीटर दूध निकाल के उसके जगह पानी डाला, ऐसा कितनी बार प्रक्रिया किया गया, 2 बार, और 2 बार और का मतलब होता है टोटल आपका 3 बार प्रक्रिया की गई है, आपको बताना बचा दूध कितना होगा, तो डायरेक्ट निकालेंगे सर कितना दूध आपका बच जाएगा, पहले कितना था बेटा 40 लीटर था, अब देखो आप निकाल कितना रहे हो, आप कहोगे सर 4 लीटर निकाल रहे 40 में से, इसका मतलब क्या होगा 1/10 आप निकाल रहे हो, 1/10 निकाल रहे हो, इसका मतलब है आप 9/10 क्या कर रहे हो, 9/10 बचेगा दूध कितनी बार, 3 बार, तो इसका क्यूब कर देना, देखिए जरा आपके पास क्या जाएगा, तो 40 × 9 का क्यूब हो गया 729 हो गया, बटे में आपका आ गया 1000, 40 से काटेंगे कितनी बार हो जाएगा आपका ये 25 बार में, 25 इसको भाग कर देंगे तो 29.16 लीटर आपका आंसर आएगा, 29.16, क्योंकि बेटा ये सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है इसलिए मुझे इसका आंसर याद था, और आप भी निकाल सकते थे, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 40 आपका बच्चा। 40 के बाद आ जाओ 41, पार्टनरशिप का सवाल, पार्टनरशिप का भी एक क्वेश्चन पेपर में आया था, पहले शिफ्ट में जो सवाल आया था वो थोड़ा बढ़िया था, इसको देखो ध्यान से बच्चे, लिखा हुआ एबीसी ने एक व्यापार में 80,000, 40,000 और अगेन 80,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, इसका मतलब अगर हम देखेंगे इसको मैं थोड़ा सा देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि आपका 80,000, 40,000 और 80,000, यानी इन्होंने जो कैपिटल का रेशियो होगा आपका एबीसी के जो पूंजी का अनुपात होगा, तो आप देखिए यहां पर इनका रेशियो निकाल लेंगे तो आ जाएगा 2:1:1 का, तो पूंजी का अनुपात 2:1:1 है, 6 महीने के बाद ए आपका चला गया, इसका मतलब ये है आप इसको ऐसा समझ लीजिएगा कि आपका ये 2 पूंजी लगेगी कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, बाकी टोटल काम आपका कितना 8 महीने का हुआ है, तो एक की क्षमता से 8 महीने, और अगेन क्या होगा एक की क्षमता से आपका सॉरी 2 की क्षमता से 8 महीने ये भी प्रोग्राम चला है, तो आपके पास कितना आएगा 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 16, 4 से भाग कर देंगे तो 3 आपका 2 और 4, 3, 2, 4 के अनुपात में लाभ आपका बटेगा। बोला गया 40,050 में बताना बी का हिस्सा कितना होगा, तो बताओ बी का हिस्सा बताना आपको कितना होगा, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 2, कितने में से 9 में से, और टोटल वैल्यू कितनी आपके पास है 4,00,050 है आपका, तो 9 से भाग करके देख लेंगे 9 × 4 हो जाएगा 36 आपके पास, 40 बचेगा, 9 × 4 अगेन हो जाएगा 36, 40 45 जाएगा आपके पास दिया जाएगा, तो बी का मान क्या आएगा, तो 4450 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 8900, ठीक है ऑप्शन आ जाएगा पहला 8900, खत्म, क्लियर। पार्टनरशिप का भी एक सवाल पक्का पेपर में आएगा, लिख के ले लो। तो आगे देखेंगे यहां पर 41 के बाद आपका 42, 41 के बाद देखना बेटा 42 नंबर का क्वेश्चन,
ठीक है 42 का क्वेश्चन देख रहे हो आप लोग कि आपके सामने इतने तेजी से सॉल्यूशन आ रहे हैं और आप लोगों ने भी उम्मीद करूंगा पेपर में करके आए होंगे, कोई मुश्किल नहीं था इतना बड़ा पेपर। ये देखो ध्यान से बच्चा सवाल 42 है ना, 42 आपके पास आ जाओ जल्दी से भाई फटाफट से 42 नंबर क्वेश्चन। हाँ भाई ये देखो आपके पास है एक समकोण त्रिभुज की आपको दे रखी है, समकोण त्रिभुज की भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की दोगुनी है, तो अगर मैं यहां से एक समकोण त्रिभुज बना लूं, समकोण त्रिभुज अगर मैं बना लेता हूं बच्चों, तो इसका मतलब क्या, अगर ये x है आपका तो ये कितना हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा आपका 5x² हो जाएगा ये, ठीक है ये आपके पास में क्या आ जाएगा तो 4 और 1 5 यानी आ जाएगा अंडर रूट में आपके पास आएगा ये, तो आ जाएगा आपका निकाल लोगे इसको x√5 आ जाएगा। अब सवाल में देखिए क्या बोला गया, तो आपको दे रखा x√5 बराबर आपको दे रखा 10 दे रखा है, x बराबर अगर मैं निकालूंगा तो आपके पास आएगा ये 2√5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 2√5। अब इसको देखो एरिया निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमारे पास क्या आएगा 2x² आ जाएगा, यानी हमारे पास आएगा 2 × में, अब इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 × 5, ठीक है अगर मैं इसको निकालूंगा तो 2 का स्क्वायर √5 से अगर मैं इसको भाग करूंगा, एक मिनट इसका बच्चा आएगा आपके पास में, ठीक है अगर √5 आ जाएगा, √5 ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 2√5 ही तो आएगा, ठीक है x बराबर 2√5 हो जाएगा। हाँ ये तो ठीक है आपका 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 x² हो जाएगा, रूट में x√5 आएगा, ये भी ठीक है आपका, तो x² करेंगे 2 का स्क्वायर 4 × 5 20 20 × 2 40, ठीक है आई थिंक 40 ऑप्शन में है क्या, 40 ऑप्शन में दिख तो रहा है, एक बार मैं कंफर्म और कर लेता हूं, कर्ण आपका 10 है तो x√5 = 10 होगा, ठीक है तो x = यहां से 2√5 आएगा, 2√5 सही है आपका, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 × 5 = 20, ठीक है यहां से आ जाएगा आपका 20 हो जाएगा और प्लस आपके पास इसको मैं देख लूंगा तो हमारे पास आएगा, एक मिनट को यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है इसको देख लेते हैं एक बार फिर से, कि अगर बच्चों आपको इसको मैंने 1 माना है तो ये आपका 2 हो जाएगा और आपके पास कितना आएगा √5 आ जाएगा, √5 आ जाएगा, तो हमारे पास √5 का मतलब दे रखा है 10, √5 का मतलब आपके पास अगर 10 है तो 1 का मतलब हमारे पास में क्या आएगा, तो 1 का मतलब आपके पास में क्या आएगा, अच्छा सही तो था यार इसका एरिया 1/2 ही तो लगाना था बस, सही है बाकी हमने सही किया था, हाँ पहला हमारा सही था कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसका एरिया क्या हो जाएगा आपके पास में तो 1/2 आएगा ना बच्चा, 1/2 आ जाएगा और हमारे पास आएगा x × 2x आ जाएगा, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, x² आएगा, x² का मतलब कितना आएगा 20 आ जाएगा, ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर आएगा पहला ऑप्शन 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो 20 आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है सभी साथी फटाफट से शेयर कर देंगे तो 20 आपका राइट आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है मेरे भाई तो 20 आपका राइट आंसर आएगा इसका। अगला देखते हैं 42 के बाद 43 नंबर देखो 43 नंबर का सवाल है ये, 43 नंबर देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ, अब बच्चों ये आपका लिखा हुआ है कि एक धनराशि को साधारण ब्याज के 3 साल के लिए, देखिए यहां पर 3 साल आपके पास में, 3 साल के लिए निवेश किया गया, अगर साधारण ब्याज 1% ज्यादा होता तो यानी 1 साल में 1% तो 3 साल में 3% ज्यादा होता, ये 3% जो ज्यादा है यहाँ पे पैसा कितना ज्यादा हो गया 5100, तो 3% का मान 5100, 1% का मान 1700, 1 का मतलब 1700 है तो 100% का मान क्या आ जाएगा, तो 1700 लिख देना और उसके बाद 2 जीरो और चिपका देना, ऑप्शन कहाँ मौजूद है दिस वन, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, खत्म, ठीक है मेरे भाई ये हो गया आपका 43 नंबर का सवाल, बस 2 क्वेश्चन और बच गए बेटा, आ जाओ 44 नंबर का, 44 नंबर देखेंगे, ये भी देखो बहुत ही आसान सवाल था, जिस बच्चे को क्यूब याद था तो बच्चा इस सवाल का आंसर वो फटाफट कर सकता था, जिस बच्चे को क्यूब याद है बच्चा वो इस सवाल का आंसर फटाफट करेगा, सबसे पहले देखिए आपके पास लिखा हुआ है बच्चों क्या 6 1/4 लिखा हुआ है, अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले आप सभी को फ्रैक्शन पता होना चाहिए 6 1/4% का मतलब बच्चा होता है आपका 1/2 में, ठीक है तो हमारे पास आएगा 1/16 का ये फ्रैक्शन होता है, 1/16 हो गया, समय 3 साल है तो अगर कोई भी पैसा आपका 16 होगा अमाउंट हमारा हो जाता है 17, कितने साल में 1 साल में, तो 1 साल हो गया, 3 साल का मतलब हो जाएगा तो ये आ जाएगा 16 का क्यूब हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 17 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है और आपको 17 का क्यूब पता है ये आपका होता है 49 13, 17 का क्यूब 49 13 हो गया, 16 का क्यूब कितना होता है 4096, तो 4096 इज द राइट आंसर, ठीक है ऑप्शन नंबर कौन सा चौथा, तो चौथा आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, तो 4 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर है याद रखना 2 साल होगा तो स्क्वायर करेंगे, 3 साल होगा तो क्यूब कर देंगे। चलिए एक और सवाल देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 45, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 भी क्या है, बहुत ही हल्का सवाल है, बहुत ही इजी सवाल लग रहा देखने में,
आपको दे रखा किसी दूरी को तय करने में एबी के चाल का अनुपात 3:4 है, स्पीड का रेशियो दे रखा बच्चों एबी का कितना 3:4 दे रखा है। आपको पता है अगर दूरी निश्चित होती है समय का अनुपात कितना होगा 4:3 का। आपको पता है चाल बढ़ाते हो समय कम लगता है, कितने की कमी है 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब दे रखा है कितना दे रखा आपको आधा घंटा का फर्क है। 1 यूनिट का मतलब आपके पास है आधे घंटे, 1 का मतलब आधे घंटे, तो 4 का मतलब क्या आएगा 2 घंटे, इसका भी आधा। तो बोला क्या आपको ए तक डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा 2 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 निपटा देना। ठीक है मेरे भाई, तो ये मैथ्स के 15 सवाल थे जो आप लोगों ने देखे होंगे। आशा करूंगा उम्मीद करूंगा कि आपको आइडिया लग गया होगा कि पेपर कैसा आ रहा है। पार्टनरशिप का 1 सवाल, मिक्सचर का 2 सवाल आपके पास, सिंप्लीफिकेशन का 1 सवाल आ रहा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का 1 सवाल आ रहा है। ऐसे सवाल आपको देखने को पेपर में मिल रहे हैं, सीआईएसआई के 1-1 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नो मेंशुरेशन, नो ज्योमेट्री, नो ट्रिग्नोमेट्री, नो अलजेब्रा, बस और सिंप्लीफिकेशन का 1 सवाल आपको देखने को मिल रहा है। अब आप लोग करेंगे साथियों रीजनिंग के सवाल डीजे सर के साथ में। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों बहुत बढ़िया, अब तक का एनालिसिस मैथ्स के सारे क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं, लगभग सारे प्रश्न आप लोगों करवा दिए गए हैं। अब हम शुरू करते हैं भाई रीजनिंग का खेल, देखते हैं भाई रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया, कैसे कैसे पूछा गया। आइए और बेटा सबसे पहले देखो रीजनिंग बहुत ज्यादा बेटा मुश्किल नहीं आई थी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, इससे पहले और देखते हैं। ये भाई आपका सबसे पहला क्वेश्चन था रीजनिंग का, ये भाई आपका सबसे पहला क्वेश्चन था रीजनिंग का। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, 11 120, तो भाई 11 का स्क्वायर माइनस का 1, 121 माइनस 1 कितना आएगा, ये आएगा 120। पूछा किसका है, 25 का स्क्वायर माइनस 1, 25 का स्क्वायर क्या 625, 1 घटा दो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 624, काम खत्म। ठीक है चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बेटा यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, आप लोग बेटा देख पा रहे हो क्वेश्चन को भाई, सिंगर कोरस, सिंगर कोरस, अब कह रहे सिंगर कोरस क्या होता है भाई, कोरस में बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिंगर्स मिलते हैं जो पीछे खड़े हुए गा रहे होते हैं बेटा, तो ग्रुप ऑफ सिंगर्स क्या कहलाते हैं, कोरस। तो वैसे बेटा ग्रुप ऑफ फ्लावर क्या कहलाएगा, बैंक्वेट, ऑप्शन नंबर 1, काम खत्म। बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आए थे एनालॉजी से, कुछ क्लासिफिकेशन क्वेश्चन आए थे, कुछ कुछ बेटा हमें देखने को मिले। ये आपका क्लासिफिकेशन का एक और क्वेश्चन है बेटा, देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, एक और क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का लिखा हुआ, फाइंड द ऑड वन आउट, क्या इनमें से अलग कौन सा है, क्या क्या दिख रहा है आपको, बे ऑफ बंगाल, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी। तो भाई साफ साफ देख सकते हैं इसका आंसर क्या है, पैसिफिक ओशियन। क्यों, बाकी ये तीनों कहां, भारत से बेटा टच है, लेकिन जो पैसिफिक ओशियन है ये भारत से टच नहीं है। चलिए बेटा बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 18 खत्म, बड़े बड़े क्वेश्चन बेटा है ही नहीं बिल्कुल भी। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अब कह रहा है क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि इस शब्द से भाई कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। तो यार ये एक ऐसा शब्द है जिसके बिना हमारी लाइफ थोड़ी सी बेटा मुश्किल से कटती है, अभी आप लोग मुझे देख पा रहे हैं उसी वर्ड के कारण बेटा, क्या है, मोबाइल, MOBILE, मोबाइल। तो बेटा सबसे पहले क्या आएगा, देखो सबसे पहले क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 4, फिर बेटा क्या आएगा बी यानी 6431, कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर 2, काम खत्म। चलो भाई आगे बढ़ो, ठीक है ऑप्शन नंबर 2 बढ़ो बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहां पर देखिए, क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन का दिखेगा भाई, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को हम हमेशा हिंदी में ही करते हैं, कैसे करते हैं बेटा हिंदी में ही करते हैं। देखो भाई थोड़ा सा घूम सा गया क्वेश्चन, आई डोंट नो हाउ, घूम जा भाई, अरे टिल्ट हो जा, यो भाई प्रश्न थोड़ा सा उल्टा हो गया है, कोई नहीं इसको ठीक करते हैं। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, प्रश्न देखिए लिखा हुआ है पी क्यू आर का भतीजा है, पी क्यू आर एस टी और एक पिकनिक पे गए हैं, पी क्यू का पुत्र है किंतु क्यू पी का पिता नहीं है। आपको बेटा प्रश्न दिख रहा है क्या बच्चों, प्रश्न दिख पा रहा है आप लोगों को, देखिए कह रहा है पी क्यू आर एस एक पिकनिक पे गए हैं, पी क्यू का पुत्र है, बेटा देखो पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, बट क्यू पी का पिता नहीं है, अगर क्यू पी का पिता नहीं है तो कौन है भाई, मम्मी है इसकी। आगे आगे लिखा बेटा आर एस का पुत्र है जो पी का भाई है, तो भाई जो से पहले कौन लिखा हुआ है एस, तो भाई पी का भाई कौन है, पी का भाई एस है,
और आर किसका बेटा भाई, आर इसका बेटा है। अब क्या कह रहा प्रश्न, पी एस की पत्नी है, ठीक है कोई बात नहीं, कह रहा पी का आर से क्या संबंध है भाई, आर का पापा कौन है एस, आर का पापा कौन एस, पापा का भाई कौन होता है चाचा, ऑप्शन नंबर थर्ड, काम खत्म, चलो आगे बढ़ते भाई, चलिए क्या है भाई चाचा, आगे बढ़ते बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 21। अब कह रहा भाई इस यहां पर जो आप देख पा रहे होंगे अल्फा का मान, क्या बेटा क्या पूछ रहा है यहां पर, यहां बेटा पूछ रहा है अल्फा का मान, बेटा क्या पूछ रहा है यहां पर अल्फा का मान क्या आएगा, ये अल्फा का मान पूछ रहा है, देखो एक्स अल्फा एल, एक्स अल्फा एल, पी अल्फा एच और बेटा एल अल्फा एफ, बेटा क्या होगा एक्स 24 एल 12 भाग करोगे क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा, दो लिखा हुआ है, यानी अल्फा की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी डिवाइड, तो भाई अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, ऑप्शन नंबर टू, काम खत्म, डिवाइड बेटा यहां पर आ गया। आगे देखिए बेटा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 भाई, ये प्रश्न बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं भाई, दिक्कत करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, मैंने भी और मैम ने भी आपको बड़ा पढ़ा रखा है। क्या लिखा हुआ है, कुछ सेब अंगूर है बेटा, कुछ सेब अंगूर है, आ जाओ भाई, कुछ सेब अंगूर है, कोई दिक्कत नहीं, फिर क्या लिखा हुआ है, सभी अंगूर केले, सभी अंगूर केले, और फिर क्या है भाई, सभी कुछ आलू बुखारे अंगूर है, कुछ आलू बुखारे अंगूर है भाई, तो कुछ आलू बुखारे अंगूर है बेटा, आलू बुखारे, ठीक है। अब बेटा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा भाई कुछ केले आलू बुखारे हैं भाई, कुछ केले आलू बुखारे भाई, सही बात है, पहला आपका सही हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है, कुछ सेब केले, कुछ सेब केले हैं भाई, यहां पर दिख रहा है हमें कुछ सेब केले, दूसरा भी सही हो गया, सभी केले अंगूर हैं भाई, सभी केले अंगूर हैं इसके बारे में हम नहीं कह सकते, तीसरा क्या हो गया, गलत हो गया, क्या आ गया, केवल पहला और दूसरा ऑप्शन नंबर वन बेटा, 22वें प्रश्न का उत्तर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर वन। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का, और इतना आसान क्वेश्चन कैसे कोई पूछ सकता है, समझ में नहीं आया, एचएसएससी ने भाई बिल्कुल ही मजाक बनाया पेपर का, इतना आसान क्वेश्चन बेटा, इतना आसान क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ, एक एक बटे तीन, एक बटे नौ, पी एक बटे इक्यासी, एक बटे दो 43, बेटा क्या होगा, देखो आप देखोगे सीधा सीधा 1/3 किया जा रहा है बेटा, क्या किया जा रहा है, सीधा सीधा 1/3, तो एक का 1/3, एक बटे तीन का भी 1/3, 1/9, और बेटा 1/9 का भी अगर आप 3 से भाग करो क्या आ जाएगा, 1/27, क्या ऑप्शन में है, 1/27 पेपर है, ये रहा जी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। रीजनिंग इतनी आसान आई है, मतलब बिल्कुल फूक दो, रीजनिंग खत्म, बिल्कुल भी बेटा क्वेश्चन में जान ही नहीं था, किसी भी क्वेश्चन बेटा जान नहीं था। अब देखो यहां पर थोड़ा सा आपके एनालिटिकल पावर को चेक किया गया है, क्या कह रहा है भाई, आप किसी काम के लिए गए लेकिन जॉब आपको ना मिल करके आपके किसी दोस्त को दे दिया गया है, और वो आपका अच्छा मित्र भी है, आप क्या करोगे, तो भाई क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम भाई परिश्रम करना जारी रखेंगे, क्योंकि परिश्रम का परिणाम हमेशा अच्छा होता है, एक जगह नेगेटिविटी गई हम किसी और जगह जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। आइए बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 25, बेटा क्या लिखा हुआ है, ये एक सर्कल का बेटा क्वेश्चन है, ये बच्चों एक प्रश्न है सर्कल का बेटा, किसका प्रश्न, सर्कल का, क्या लिखा हुआ देखिए क्वेश्चन, देखिए बच्चों क्वेश्चन नहीं, क्या लिखा हुआ, ए बी सी डी ई और एफ भाई, 6 लोग हैं बेटा, कितने लोग हैं, कुल 6 व्यक्ति हैं, अब बेटा ये 6 व्यक्ति हैं क्या, ये कहां बैठे हुए हैं बच्चों, कहां बैठे हुए, तो बेटा ये बैठे हुए हैं एक सर्कल पे, अब बेटा सर्कल पे 6 लोग बैठे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में बैठा दिया, क्या कह रहा है, कह रहा भाई डी बी के निकट दाई ओर बैठा है, तो भाई बी के दाई ओर, तो बेटा मान लो ये बी है, तो बी के दाई ओर कौन बैठ गया, डी बैठ गया। आगे देखते बेटा आगे क्या लिखा हुआ है, और बी एफ का पड़ोसी नहीं है, ठीक है भाई, सी ए और डी के बीच बैठा है, सी जो है वो ए और डी के बीच बैठा है, सी ए और डी के बीच में बैठ गया, अब कह रहा है बी जो है वो एफ का पड़ोसी नहीं है, एफ का पड़ोसी नहीं, मतलब बेटा एफ यहां पर आएगा, बी के पास नहीं आएगा, यहां क्या आ गया, ई आ गया, प्रश्न क्या पूछ रहा है, एफ का पड़ोसी कौन है, तो भाई एफ के दो पड़ोसी हैं, कौन, एक ई और एक ए, ए और ई, कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर बेटा, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान सा बेटा क्वेश्चन आए। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आइए बच्चों आगे बढ़ते, देखिए चलो भाई गाइस नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 26 भाई, ये कोई प्रश्न है, देखना यार ये प्रश्न क्यों पूछा गया एग्जाम में पता नहीं भाई, देखो 55+1=56, 56+2=58, 58+3=61, 61+4=65, 65+5=70, खत्म खत्म भाई, ऑप्शन नंबर 1 70 इज द करेक्ट आंसर, मतलब इतने आसान क्वेश्चन पूछेगा
एचएसएससी भाई सोचा भी नहीं था। आओ बेटा आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आओ भाई अंतिम अंतिम जगह बेटा पहुंच चुके हैं। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है बेटा, क्या कह रहा है कौन सा ऐसा शब्द है, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, देखो जी क्या कह रहा है बेटा, कौन सा ऐसा शब्द है जो वेरीफाइड वर्ड से नहीं बन सकता। बेटा ध्यान से देखोगे ऑप्शन नंबर फोर में क्या लिखा हुआ है, फ्रेंड एन लिखा हुआ है, एन क्या एन यहां पर है, नहीं है। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर। अब भाई ये तीन सहेलियां आ चुकी हैं, अब ये तीन सहेलियां आ गई हैं, कुछ खाना पीना खा रही हैं और बिल के लड़ रही हैं, कह रहा बबीता ने कितना पैसा दिया होगा। तो बेटा देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अमिता ने बबीता को एक राशि का 3/5 दिया। बेटा इसमें हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं, क्या करेंगे आप बेटा, रेशियो निकाल लो 3:5। बेटा आगे क्या है, 1:2, 1:2। बेटा इससे आप तीनों का बेटा अमित कौन कौन है, अमिता बबीता और चंचल, तीनों बेटा निकाल दिया, तो इसका रेशियो क्या आएगा, 3:3, 5:5 और 5×2=10। बेटा ये आपका क्या आ गया, 5×3=18। अब बेटा ये 18 की वैल्यू क्या रखी है, इन्होंने बेटा कितना अमाउंट पे किया है, 360 रुपए। तो बेटा 18 की वैल्यू कितनी है, 360 रुपए, मतलब बेटा एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 रुपए। अब क्या पूछा प्रश्न कि बबीता ने, भाई बबीता का रेशियो कितना था, 5 था। अब अगर एक की वैल्यू 5 है, 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5×20 कितना आ गया बेटा, 100, 100 रुपए। बेटा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देख रहे बेटा कितने आसान आसान प्रश्न, बेटा क्वेश्चन तो बिल्कुल मुश्किल है ही नहीं। आओ भाई आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते चलिए, बहुत बढ़िया गाइस बहुत बढ़िया। देखो यार एक बार भाई अगर सेशन को ना थोड़ा और शेयर कर दोगे तो मजा आएगा। देखो हरियाणा का चैनल पूरा आपके सहयोग में लगा रहता है, पूरा बेटा हरियाणा चैनल आपके सहयोग में लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, किसी कूट भाषा में एक्स वाई जेड, देखो 1, 2, 3, 4 बेटा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, मात्र कंफ्यूज करने के लिए, हल्का सा मैं कह रहा हूं 0.1% दिमाग लगा दोगे बेटा आंसर आते। क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड 1, 2, 3, 4 ई एफ जी एच को 7, 8, 9, 10। अब कह रहा है ए एक्स जी ई, क्या पूछ रहा है बेटा ए एक्स जी ई, इसको क्या कहेंगे। तो भाई देखो सबसे पहले ए बेटा ए के सामने क्या लिखा है, 4, तो भाई ए के लिए क्या लिखेंगे, 4। एक्स एक्स के सामने बेटा क्या लिखा हुआ है, 1। एक्स के बेटा क्या आएगा, 1। जी भाई जी के सामने क्या लिखा हुआ है, 3rd है, तो बेटा 3rd पे क्या है, 9, 4, 1, 9। एंड बेटा ई ई के लिए क्या लिखा हुआ है, 7, 4, 1, 9, 7। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। खत्म, टाटा बाय बाय। चलिए बेटा अगला प्रश्न, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंच गए, और आई थिंक गाइस देखिए कितना प्यारा सा और आसान सा प्रश्न है, कितना प्यारा बेटा आसान सा प्रश्न है ये वाला, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का बेटा ये प्रश्न है। तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कुछ डी एफ जी एच जे, डी एफ जी एच जे, बट इसको क्या लिखा है इसने, इसको लिखा है एफ एच आई जे एल, एफ एच आई जे एल। अब बेटा अगर इसने कोड किया है, कोडिंग डिकोडिंग में एक ही काम करो, क्या नंबरिंग कर दो, डी का नंबर 4, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, जे का 10, एफ का 6, एच का 8, आई का 9, जे का 10, एल का 12, कर दो भाई 4+2 6, 6+2 8, 7+2 9, 8+2 10, 10+2 12, सब में +2 कर दिया गया। किसका पूछा है, ऑडिट, ए यू डी आई टी, ए यू डी आई टी, ए 1 U 21, डी 4 I 9 T 20, बेटा सी आ जाएगा 21 2 23, W 4 2 6, F 9 2 11, K 20 2 22, CWFKV, CWFKV, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया गाइस बहुत बढ़िया। चलिए अगर आगे देखते हैं, अगर आगे देखते हैं तो यहां पे आई थिंक आपका जो सेक्शन है रीजनिंग का वो पूरा कंप्लीट हो गया बेटा, रीजनिंग का सेक्शन आपका यही कंप्लीट हो गया। आई थिंक रीजनिंग में और कोई क्वेश्चन यहां पर नहीं है। तो यार हमने देखा हरियाणा का जो एग्जाम आया है बहुत ही आसान पेपर था बेटा, जिनका भी एग्जाम आने वाला है वो, और जितने बच्चे यहां पर देख रहे हैं अपने दोस्तों को बता देना कि भाई यहां पर सभी शिफ्टों का एनालिसिस करवा दिया गया है, जाने से पहले एक बार बेटा फॉरवर्ड मोड पे इसको जरूर देखना, बहुत सारा फायदा मिलेगा। हरियाणा की पूरी टीम आपके साथ लगी रहती है और हमेशा आपके साथ लगी रहेगी जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। तो बेटा अभी मुझे दीजिए इजाजत, आप लोग जम के पढ़िए, जिनका कल एग्जाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना, प्यार से पेपर देना, घबराना मत, जैसे बेटा आप लोगों का होगा आपका सिलेक्शन होगा, आपके साथ साथ आपके पूरे घर वालों की में भी एक खुशी खुशी की लहर दौड़ जाएगी। तो बच्चों इन शब्दों के साथ मैं करता हूं आज के इस सेशन को समाप्त। जय हिंद, राम राम, जय हरियाणा, जय भारत। टीचर में जाना है।